बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मोहि बंध, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि ज्ञान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये सात गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये सब करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। और ये मधुर बोल जब बंद खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही, घन श्याम यही, तुगे महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। गर्भोर गारम गर्भावतारम रंगार सारम भजगे ग्रहा, सदाव संतम हृदयार में जय नवाम भवानी सैतम नवाम, नवम भवानी सैतम नवाम, नवम भवानी सैतम नवाम। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामा अनुजाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुन मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम,
सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय सीताराम गोविंद सहारा तेरा है गोपाल सहारा तेरा है गोविंद सहारा तेरा है गोपाल सहारा तेरा है गोविंद सहारा तेरा है गोपाल सहारा तेरा है गोविंद 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 सहारा तेरा है गोविंद सहारा तेरा है गोपाल सहारा तेरा है गोपाल सहारा तेरा है गोविंद सहारा तेरा है गोविंद सहारा तेरा है गोपाल सहारा तेरा है कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत 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 तुम्हारी गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते 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 तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी 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 गोविंद होती जो आदत तुम्हारी कृपा की न होती
जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। बंधु ये हैं तुम्हारी ही उल्फत के द्रगबिंदु ये हैं, तुम्हारी ही उल्फत के द्रगबिंदु ये हैं, तुम्हारी ही उल्फत के द्रगबिंदु ये हैं, तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, 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 गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत गोविंद जहो गोविंद हरे हो, गोविंद सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है। किस किस को सहारा भगवान का है तो मैया बोलो ना प्रभु से, हे प्रभु आपके सिवा कौन है हमारा। मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार राधे बोल, मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार राधे बोल। आज भगवान के नाम की भिक्षा मांगो सबसे, सबसे बोलो कि आप भी बोलो भगवान का नाम, राधे कृष्ण बोलो, राधे राधे बोलो। मैया तेरे पाँव पड़ूं जय श्रीमन नारायण बोल, मैया तेरे पाँव पड़ूं जय श्रीमन नारायण बोल, जय श्रीमन नारायण बोल, जय श्रीमन नारायण बोल, जय श्रीमन नारायण बोल, जय श्रीमन नारायण बोल। आपकी वजह से कोई भगवान का नाम बोल रहा है, इससे बड़ा पुण्य इससे बड़ा यज्ञ क्या होगा। इसलिए गौरांग महाप्रभु सबसे भगवान के नाम की भिक्षा मांगा करते थे, हमें तो राम नाम की कृष्ण नाम की राधा नाम की भिक्षा दीजिए। तो आप भी बोलो सबको, जाके सबको बोलना, भैया हाय हेलो नहीं बोलना। मैया तेरे पाँव पड़ूं जय श्रीमन नारायण बोल, मैया तेरे पाँव पड़ूं जय श्रीमन नारायण बोल, 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 जय श्रीमन नारायण बोल। मैया तेरे, मैया तेरे भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार राधे बोल, 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 राधे 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 बोल, राधे 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 बोल, राधे 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 बोल, राधे 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 बोल, राधे 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 बोल, राधे 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 बोल, 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 राधे 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 बोल। गोविंद सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है।
भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार राधे बोल। आज हमारे मेरठ से भैया राजेश भैया आए हैं, राजेश अग्रवाल जी, जिन्होंने मेरठ में भागवत जी का आयोजन कराया था, और अभी फिर 25 विपिन भैया, राजेश भैया, मोहित भैया, नरेंद्र सिंगल जी, आप सब आए हैं, ठीक है। अभी 25 नवंबर से 1 दिसंबर तक फिर मेरठ में भागवत जी होने जा रहे हैं। भैया विपिन अग्रवाल जी, राजेश अग्रवाल जी, सब परिवार, आप प्रेम भरी कथा का रसपान पिछली बार भी आपने किया, अब फिर मेरठ की पावन धरती पर भागवत जी होने जा रहे हैं 25 नवंबर से 1 दिसंबर तक, ठीक है। आप खुश रहिए, सबका बहुत बहुत स्वागत वंदन, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। मेरठ की कथा जब हुई थी तो आज तक लोग याद करते हैं कि सारे लोग 7 दिन पानी में 3-3 फिट खड़े होकर कथा सुनी, और लोगों ने खूब सुनी कथा, पानी बरसता रहा और कथा भी बरसती रही। भगवान की कृपा आप सब पर बरसती ही रहे। भगवान की पावन कथा में आप सभी डुबकी लगा रहे हैं। इस कथा में परीक्षित बन के हमारी मैया श्रीमती अनीता चौधरी जी, संतोष चौधरी जी, आप सब कथा का रसपान कर रहे हैं यहाँ पर, और कथा सुनते सुनते आज 7वां दिन आ गया, कैसे ये दिन बीत गए पता ही नहीं चला। क्यों, ये बात सही है कि भगवान, अच्छा आप लोगों के लिए 7 दिन ना ऐसे लगते हैं कि अरे आज ही आए और आज ही लगता अब जाने का टाइम आ गया, 7 दिन बहुत जल्दी बीत गए, ऐसा क्यों होता है? कई बार टाइम बीतता ही नहीं है, कई बार टाइम जल्दी बीत जाता है। जो बुरा वक्त होता है ना, जो बुरा समय होता है, वो समय जल्दी नहीं बीतता, पर जो अच्छा समय होता है वो जल्दी बीत जाता है। इससे क्या सीख मिली आपको? इससे सीख ये मिली कि जो समय हम अपने, जो समय भगवान की सेवा में लगा दें, भगवान की कथा में लगा दें, भगवान के नाम में लगा दें, समाज की सेवा में जो समय लग जाता है वो समय सार्थक हो जाता है, और वो समय हमें खुशी देने वाला बन जाता है, वो समय अच्छा होता है। इसलिए आप अपनी 7 दिन लगाए ना तो 7 दिन बीत गए पता ना चला, जब सारी जिंदगी भगवान में लगा दोगे तो जिंदगी कब बीत जाएगी पता ही नहीं लगेगा। ये जिंदगी इतनी कठिन नहीं, इतनी मुश्किल नहीं, हम लोगों ने बना रखा है मुश्किल जीवन में। अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, ये बात भागवत जी में भी लिखी है कि एक एक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। अच्छा, समय का सबसे बड़ा सदुपयोग क्या है? मैया बैठ जा मेरी माँ, सब लोग बैठो। समय का सबसे बड़ा सदुपयोग क्या है? हमारे भैया श्री संतोष जी कथा सुन रहे हैं, अपने परिवार को कथा सुना रहे हैं, साल भर काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, बिजनेस व्यापार करते हैं, पर उस साल भर में से 7 दिन निकालकर भगवान की सेवा में, भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, यही है गृहस्थ जीवन। इन्होंने अपनी 21 पीढ़ी तार ली, जाने अनजाने में इनके पिता, दादा, परदादा, यदि किसी कारण अकारण यदि उनका मोक्ष नहीं हुआ होगा तो भागवत के पुण्य से उनका मोक्ष हो जाएगा, यदि उनका हो चुका है तो आने वाले बच्चों का जो भविष्य है वो इस पुण्य, देखो पाप का फल मिलता है उसी तरह पुण्य का फल भी मिलता है, ना तो किया गया पाप व्यर्थ जाएगा ना तो किया गया पुण्य व्यर्थ। पाप और पुण्य दोनों पत्थर की लकीर होती है, किया भोगना ही पड़ेगा, पाप भी भोगना पड़ता है और पुण्य भी भोगना पड़ता है, इसलिए हर पाप से बचना है और हर पुण्य को करना है, हर अच्छे कार्य करना है, हर बुरे कार्य से बचना,
हमारे भैया श्री राजेश अग्रवाल जी जो मेरठ से आए हैं, आप श्री ने वृद्ध माओं के लिए बेड दिए हैं, बेड की पूरी सेवा आपने ली है आश्रम में, जितने बेड वृद्ध माओं के लिए वो आपकी तरफ से, बहुत सारी सेवाओं से आप आश्रम की सेवाओं से जुड़े हैं और बहुत लगन से बहुत अच्छे से आप, भगवान ने आपको योग्य बनाया है और भगवान इतना योग्य बनाए, इतनी कृपा, देखो भागवत जी इन्होंने कराई और खूब पानी बरसा, सबने कहा कि पानी बरस रहा, हमें लगा नहीं ये पानी नहीं, ये तो कृपा बरस रही थी भगवान जी की, और उसका परिणाम भी हुआ कि कथा के बाद से भगवान की कृपा से कार्य कारोबार बढ़ा है, भगवान की कृपा से सब कुछ बढ़ते क्रम में रहा है। भागवत का पुण्य मिलकर रहेगा रहेगा रहेगा, जाएगा कहीं नहीं। जो आपने पुण्य किया, महाभारत में छोटी सी कथा है, महाभारत में कथा है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, भगवान श्री कृष्ण ने उस यज्ञ में सबकी सेवा की और खाए हुए की पत्तल उठाने की सेवा भगवान श्री कृष्ण ने ली थी कि उसमें जो भी भक्त ब्राह्मण खाएंगे उनके पत्तल उठाने की सेवा भगवान, चरण धुलने की सेवा भगवान ने ली। अर्जुन ने कहा प्रभु हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा यज्ञ सफल हो गया, भगवान ने घंटा बांध दिया, बोले जब ये घंटा अपने आप बंध जाए बजने लग जाए तो समझ लेना कि आपका यज्ञ पूरा हो गया। अब पूरा यज्ञ हो गया, हजारों लाखों लोग खा गए, सबको दान दक्षिणा हो गई, पर घंटा नहीं बजा। युधिष्ठिर जी ने पूछा कन्हैया ये घंटा तो बजा नहीं, भगवान बोले कि अभी यज्ञ पूरा हुआ नहीं, जाओ कोई भूखा है पकड़ के लाओ, चारों तरफ खोज कराई कौन भूखा रह गया, तो एक जंगल में एक संत जी भूखे थे, बोले जब ये खाएंगे तब यज्ञ पूरा, देखिए एक व्यक्ति भी भूखा रह जाएगा तो यज्ञ पूरा नहीं होगा, इसलिए गौरी गोपाल आश्रम ऐसी व्यवस्था है एक व्यक्ति भी भूखा ना रह जाए सबके लिए। अभी रसोई में जगह कम पड़ रही है, भक्तों को थोड़ा लाइन लगानी पड़ती है, बहुत जल्दी अब यहाँ गौरी गोपाल भगवान की रसोई इस वाले आश्रम में शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ बड़ी जगह है, यहाँ ज्यादा लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, जल्दी जल्दी सेवाएं, क्या करें जगह कम थी तो उसमें ही करना पड़ा। अब भगवान की कृपा से ये गौरी गोपाल भगवान की रसोई यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी बहुत जल्दी, ताकि यहाँ पर भोजन होना स्टार्ट हो जाए। हम तो आप सबकी सेवा में लगे ही हैं। एक व्यक्ति भूखा रह गया तो यज्ञ पूरा नहीं हुआ। अब सब पांडव गए, महाराज जी चलिए प्रसाद पाइए हमारे घर, संत जी ने कहा नहीं हम तुम्हारे बुलाने से नहीं जाएंगे। अच्छा फिर कैसे जाएंगे, बोले हमें लेने द्रौपदी आए, द्रौपदी आई, महाराज जी चलिए भोजन करिए, आपके बिना यज्ञ पूरा नहीं हो रहा है। संत जी बोले हम भोजन एक शर्त पर करेंगे, हमें 500 यज्ञ का पुण्य चाहिए, पहले 500 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य। द्रौपदी बोली अभी तो एक ही पूरा नहीं हो रहा है आपके खाए बिना, अब 500 का कहां से लाएं। तो संत जी बोले जाओ फिर हम नहीं जा रहे हैं तुम्हारा भोजन करने, पहले हमें पुण्य दो। कौन सा पुण्य, 500 यज्ञ का जो पुण्य होता है वो हमें दो। अब द्रौपदी चक्कर में पड़ गई, पांचों पांडव चक्कर में, अब इनका संकट कौन टाले। तो घूम फिर के कन्हैया भगवान के पास गई द्रौपदी, प्रभु क्या करें। भगवान बोले द्रौपदी बोल दो कि प्रभु मैं अपने यहां से आप संतों का दर्शन करने आई हूं, और संतों का दर्शन करने के लिए जाते हैं तो एक एक पग हम रखते हैं तो एक एक यज्ञ करने का पुण्य मिलता है, तो तुम घर से यहां तक आई तो तुमने सैकड़ों पग रखे, हजारों पग रखे, तो कह दो कि महाराज मैंने आपके दर्शन के लिए जो घर से यहां तक हजारों कदम रखे, उन हजारों कदम के पुण्य में 500 कदम का पुण्य आप रख लो, बाकी पुण्य मेरे पास रहेगा। तो द्रौपदी ने कहा कि हे प्रभु मैं आपके संतों का दर्शन करने जब आप जाते, आपको क्या लगता वृंदावन आए संतों का दर्शन किया कथा सुनी, अरे आपने कथा भले ना सुनी, आप भले आए और चले गए, लेकिन धाम के लिए वृंदावन के लिए
बिहारी जी के लिए, संतों के दर्शन के लिए आपने जितने कदम रखे घर से यहाँ तक, वो एक एक पग में एक एक यज्ञ का पुण्य आपके नाम है। द्रौपदी ने कहा 500 कदम का पुण्य आप रख लो, बाकी छोड़ दो। संत जी ने गदगद होकर कहा, देवी हम तुम्हारे इस पुण्य से प्रसन्न हैं कि तुमने संतों को इतना श्रेष्ठ माना, संतों का सम्मान किया। संत ने जाकर प्रसाद पाया, यज्ञ पूरा हुआ। कुल मिलाकर ये कथा ये कहती है कि आप वृंदावन आए, आपकी वजह से कोई वृंदावन आया और आपकी वजह से किसी को भोजन मिला, तो ये समझो ये सारा पुण्य है और ये पुण्य का फल मिलकर रहेगा। इसलिए पुण्य करने का मौका मिले तो छोड़िए मत, क्योंकि हम पाप तो करते ही हैं, पाप तो होते ही हैं, पाप करना नहीं पड़ता वो हो जाते हैं, पुण्य करने पड़ते हैं। तो आप सभी पुण्यात्मा हैं के धाम में बैठे भगवान की कथा सुन रहे हैं। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिका मथुरा गोकुल से वृंदावन से जब मथुरा गए तो गोपियों से कहकर गए थे 2 दिन बाद आऊंगा। आज 2 दिन क्या, कई महीने बीत गए भगवान नहीं आए। तब भगवान की याद में जब गोपियां रोईं तो भगवान ने उद्धव जी को भेजा। कहा घन श्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। जाओ जरा ज्ञान समझाओ गोपियों को। देखो ज्ञान, भगवान तक पहुंचने के मार्ग 2 हैं, एक ज्ञान मार्ग एक भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग मतलब प्रेम मार्ग, ज्ञान मार्ग मतलब ज्ञान प्लस योग, योग मार्ग। ज्ञान मार्ग योग मार्ग ये एक ही मार्ग है, क्योंकि योग भी ज्ञान के अंतर्गत है। तो ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग 2 मार्ग हैं ईश्वर तक जाने के। अब आप ज्ञान मार्ग से जाएंगे तो थोड़ा खतरा है, क्योंकि ज्ञानियों को अभिमान जल्दी आता है। रावण ज्ञानी तो था, रावण से ज्ञानी कोई है क्या? उत्तर दो। रावण ज्ञानी तो था पर भक्ति मार्ग से शून्य था, भक्ति नहीं थी उसके अंदर, ज्ञान तो था। तो ज्ञान आपको अभिमानी बनाता है। रावण के ज्ञान ने रावण को क्या बना दिया? अभिमानी। और रावण के पतन का, रावण के नाश का सबसे बड़ा कारण क्या है? अभिमान, एटीट्यूड। तो ज्ञान अभिमान की ओर ले जा सकता है, परंतु जो भक्ति है वो अभिमानी नहीं बनाती। भक्ति कहां ले जाती है? भगवान की ओर। समझ रहे हैं? इसलिए उद्धव जी हैं ज्ञानी और गोपियां हैं भक्ति की स्वरूपा, प्रेम की प्रतिमूर्ति गोपियां हैं। इसलिए उद्धव जैसे ज्ञानियों को भगवान ने गोपियों के पास भेजकर ये मैसेज दिया कि देख लो, ज्ञान भी तब तक अधूरा है जब तक वो प्रेम की चाशनी में डूब नहीं जाता। इसलिए उद्धव जैसे ज्ञानी को प्रेम की चाशनी में डुबाने के लिए भगवान ने उद्धव जी को मथुरा से वृंदावन भेजा। आप लोगों को भी यदि वृंदावन बुलाया है बिहारी जी ने, तो जरूर वो अपनी प्रेम की चाशनी में डुबाने के लिए बुलाए हैं। वृंदावन से जोड़ा है आपको, तो जरूर वो प्रेम का रंग चढ़ा करके आपका कल्याण करना चाहते हैं। वरना वृंदावन से वही जुड़ते हैं जिन पर कृपा होती है। बिना कृपा के ये धाम सबको नसीब नहीं होता ना मेरी माँ। ये धाम, यहां का वास, 2 दिन का वास, 10 दिन का वास, ब्रजवास, सबको नसीब नहीं होता। बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं और वृंदावन वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। बुलाएंगे तो आएंगे, नहीं बुलाएंगे नहीं आएंगे। इसलिए कहा घन श्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं,
तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां बस प्रेम को जानती हैं। अच्छा भगवान, एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप किससे ज्यादा प्रेम करते हो, ज्ञानी से या भक्त से। भगवान से नारद जी ने पूछा कि आपको पसंद कौन है, ज्ञानी या भक्त। भगवान ने कहा ज्ञानी तो हमारी आत्मा है, ज्ञानी तो हमारी आत्मा है, तो भक्त लोग भगवान से। भक्त ने पूछा कि प्रभु आप ज्ञानी से प्रेम करते हो या भक्त से, हम जैसे अनपढ़ भक्तों से। भगवान बोले ज्ञानी तो हमारी आत्मा है। तो भक्त जाने लगा। भक्त ने जाते हुए भगवान ने कहा क्यों, कहां जा रहे हो। बोले आपने तो ज्ञानी को आत्मा बता दी, अब हमारा स्थान तो रहा नहीं, आत्मा से बड़ा क्या है। भगवान बोले बात पूरी तो सुन लो। क्या बात है। बोले ज्ञानी तो हमारी आत्मा है, तो फिर भक्त क्या है। बोले भक्त हमारा परमात्मा है। ज्ञानी भगवान का ध्यान करता है और भगवान भक्त का ध्यान करते हैं। आपने ध्यान से देखा होगा, भगवान भी ध्यान में डूबे रहते हैं। भगवान किसका ध्यान करते हैं, भक्तों का, और भक्त किसका ध्यान करते हैं, भगवान का। वो आपका ध्यान करते हैं और आप उनका ध्यान करते हैं। इसलिए ज्ञानी से बड़ा प्रेमी है भक्त है, इसलिए भगवान के भक्त बनो। अच्छा भक्त का मतलब क्या है, दिन भर माला जपें, दिन भर पूजा करते रहें, ये भक्ति की पहचान है ना। दिन भर माला जपने की जरूरत नहीं, दिन भर पूजा करने की जरूरत नहीं। भक्ति का एक सबसे सरल तरीका मैं आपको बता सकता हूं, कहो तो बताऊं। कुछ लोग आपने देखा होगा 11 माला जपते हैं, 16 माला जपते हैं, 21 माला जपते हैं, 51 माला जपते हैं। उनका एक टारगेट है, हमें 16 माला करना है या 20 माला करना है या 40 माला करना है। माला करना बुरा नहीं है, नाम जप करना बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन आपको केवल ये लगता है कि जी माला जपना ही भक्ति है, तो आप बहुत धोखे में हैं। यदि आपने माला जपने को यदि भक्ति मान रखा है तो धोखे में है आप। यदि तीर्थों की यात्रा करना इसे भक्ति मान रखा है तो भी धोखे में है आप। केवल कथा को सुनना भक्ति मान रखा है तो भी धोखे में है आप। तो ये क्या धोखा है, क्या सच्चाई है, श्रेष्ठ भक्ति क्या है। श्रेष्ठ भक्ति जानते हैं आप लोग क्या है। आपने तो माला जपने को ही भक्ति समझी होगी। माला जपना अच्छी बात है, जप करो नाम, लेकिन टारगेट पूरा नहीं करना कि नहीं जितना ही करना बस। भक्ति क्या है इसका बहुत सिंपल बहुत सरल परिभाषा में आपको आज भक्ति की बताऊं। भक्ति क्या है, देखो हम माला जपते हैं 16 या 20 या 50, तीर्थ यात्रा करते हैं और व्रत भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, हमें लगता है हम तो भक्ति कर रहे हैं महाराज जी, पर हम कुछ परिवर्तन नहीं है। कारण जानते हैं क्या है, आपने माला तो जप लिया, व्रत तो कर लिए, पूजा तो कर ली, लेकिन आप एक चीज भूल गए। क्या आपने क्या बोला कि महाराज जी ये बेटा मेरा है, ये घर मेरा है। अब माला जप रहे हो भगवान का और क्या कह रहे हो, घर मेरा है, परिवार मेरा है, ये जीवन, ये प्लॉट मेरा, ये खेत मेरा, ये पत्नी मेरी, ये शरीर महाराज जी देखो मेरा है, ये गाड़ी मेरी है। आपने माला तो जपा लेकिन आप मेरा मेरा जपते रहे, मेरा 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 मेरा। आप माला जपते हैं पर माला जपने के बाद भी आपको बुद्धि में ये बैठा है कि ये सब कुछ मेरा है, इसलिए ये भक्ति नहीं हुई। ये तो औपचारिकता हो गई कि आपने डर के मारे 11 माला 20 माला जप लिया।
ये भक्तों के लक्षण ये नहीं है कि मेरा मेरा करे, भक्तों का लक्षण है माला एक भी मत जपो, मंदिर बिल्कुल भी मत जाओ, यदि मन करे तो जाओ, मन करे तो माला जपो, नहीं मन करे मत जपो, नहीं मन करे मत जाओ। पर क्या कहो, मेरा मेरा त्याग कर जो कुछ है सच्चे मन से ये मान लो प्रभु सब कुछ आपका है। इसे केवल मानो, केवल जानो मत, मान लो प्रभु ये सचमुच आपका है। बिल्कुल हृदय कहने लग जाए कि जैसे आप रेलगाड़ी में बैठते हो, रिजर्वेशन है, बैठे हो अपनी सीट पर, आप कहते हो ये मेरी सीट है, लेकिन जरा दिल में हाथ रख के बताओ, वो आप कहते तो हो कि मेरी सीट है और आप उस सीट पर बैठे भी हो, पर बताओ क्या वो सीट आपकी है? बोलो, आप फ्लाइट पर हैं, एरोप्लेन पर हैं, चीलगाड़ी पर हैं, आप बैठे एरोप्लेन में हैं, सीट आपकी है, आप क्या कहते हैं मेरी सीट से उठ जाओ, मेरी सीट है ये, आप बैठे भी हैं सीट में, कह भी रहे हैं मेरी सीट है, फिर भी बताओ क्या वो आपकी है? बोलो। उसी तरह आप क्या कहते हैं ये घर मेरा है, परिवार मेरा है, फिर पूछ रहा हूं बताओ क्या ये सचमुच आपका है? ये तो ट्रेन की सीट की तरह है साहब, बस स्टेशन आने की देर है, स्टेशन आते ही वो आपकी नहीं रहेगी, वो स्टेशन आते ही आपकी वो सीट तो रहेगी पर वो आपकी नहीं रहेगी। आपका स्टेशन आने दो, ये घर तो रहेगा पर आपका नहीं रहेगा, स्टेशन तो आने दो, ये परिवार तो रहेगा पर आपका नहीं रहेगा। देर कितनी है, बस स्टेशन आने की देर है, ये मृत्यु का स्टेशन आने दो जरा, वस्तुएं जहां की तहां रहेंगी आपकी नहीं रहेंगी। ये बात सही है या गलत है? तो जब ये बात हमें पता है कि मेरा कुछ नहीं है तो मैं क्यों झूठा कहूं कि मेरा है? मैं माला जप रहा हूं राम 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 कृष्ण 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 और कहूं जी मेरा है मेरा है, तो माला जपने का अर्थ क्या हुआ? भरत जी ने माला जपा राम 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 राम, भरत जी ने राम राम जपा कि नहीं? बोलो हां जोर से। क्या भरत जी ने अयोध्या को अपना कहा? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, भरत जी राम राम तो जपे पर उन्होंने ये नहीं कहा कि अयोध्या मेरी है, उन्होंने कहा प्रभु ये तो आपकी है, मैं तो आपकी अयोध्या की केवल सेवा कर रहा हूं, जो जिम्मेदारी आपने दी है। भक्त ने, कोई भी भक्त उठाइए आप, उसका चरित्र इतिहास उठाइए, उसने कभी नहीं कहा कि ये मेरा है, और आप लोग दिन में 100 बार कहते हैं ये मेरा ये मेरा ये मेरा, और माला तुम जपते हो 20। तो माला जपने से काम होता तो सबना टारगेट पूरा कर लेते, माला जपना कौन सी बड़ी बात, माला जपना है, हम माला जपने का ये नहीं कह रहे मत जपो, जपो, पर माला जपने के पहले ये भाव बनाओ। भरत जी ने ये भाव रखा कि अयोध्या मेरी किसकी है, जोर से। आप भी ये भाव रखो कि ये परिवार मेरा नहीं भगवान का है, ये व्यापार मेरा नहीं भगवान का है, ये कारोबार मेरा नहीं भगवान का, ये शरीर मेरा नहीं भगवान का, अरे मैं भी भगवान का हूं। इस भाव के साथ जब आप राम राम जपेंगे तो वो राम राम जपना कल्याणकारी होगा। यूं तो राम राम जपते रहो, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे सो कोटि यज्ञ फल होए। राम राम तो सब कोई कहता है, दशरथ कहे न कोई, ये दशरथ क्या है? 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्री प्लस 5 कर्मेंद्री, मतलब अंतःकरण से ये भाव मान लो, 10 इंद्रियां ये मान लें कि मेरे, मैं कुछ नहीं हूं, मैं भगवान का हूं, सब कुछ प्रभु का है। जब सारा आप अपने आप को भगवान के हवाले कर देंगे, है ना, तो जब आप भगवान के हवाले कर देंगे तो सब आपका भगवान का और भगवान का सब कुछ आपका, फिर भेद कहां रहेगा? मैं और आप मिलकर एक हो जाएं, मिश्री अलग होती है, पानी अलग होता है, पर वो मिश्री जब पानी में मिलती है तो क्या मिश्री दिखाई पड़ती है? बोलो, घुलकर क्या हो जाती है?
पानी, नमक अलग होता है, पानी अलग होता है, पर नमक को पानी में घोल दो तो नमक घुलकर पानी में पानी हो जाता है। दो ना रहे, एक दोहा बोल रहा हूं, अर्थ करना, उसका अर्थ मुझे नहीं आता, आप लोग करके देंगे अर्थ। मैया, ओ लाल मैया, जा रही हो मेरी माँ? अच्छा, टाटा कर लो मेरी माँ, चली मेरी बहन, जल्दी आना। सुनो, एक दोहा बोल रहा हूं, आप लोग अर्थ करना, हमसे अर्थ नहीं आ रहा उसका। दोहा बोल रहा हूं, जब मैं था, मेरे संग बोलो, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाय, प्रेम गली यति साकरी, जा मैं दो न समाय। फिर सुन लो, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाय, और प्रेम गली यति साकरी, साकरी मतलब छोटी सकरी, प्रेम गली यति साकरी, जा मैं दो ना समाय। क्या अर्थ है इसका, ये पीली मैया बताओ, नहीं मालूम? जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाय, प्रेम गली यति साकरी, जा मैं दो ना समाय। अर्थ बताओ, ठीक है, सुंदर। आप बताओ, आप नहीं, नहीं, हाँ भैया बताओ, जब मैं था मैं मीन्स एटीट्यूड, मैं जब मैं था मतलब जब मैं, जब मेरे अंदर अभिमान है तो भगवान नहीं है, जब मैं था तब हरी नहीं, जब मैं था, जब मैं अनिरुद्धाचार्य था या हूं तो हरी नहीं है, अच्छा तू तो है, तो भगवान बोले नहीं तू ही रह यार, मैं नहीं रहता। और इसका सिंपल समझो, जब तक मुझे मेरा पता है तब तक मुझे उसका पता नहीं है, और जिस दिन मुझे मेरा पता नहीं रहा उस दिन मुझे उसका पता लग गया। ये अर्थ, मतलब अभी आपको पता है कि आप कौन हैं, लेकिन भगवान की भक्ति में इतना डूबना पड़ता है कि जब आपको आपका पता ही ना रहे, आपसे पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो आप अपने को भूल चुके हो कि मैं कौन, मतलब प्रेम में इतना पागलपन, इतना डूब जाए, हमें हमारा ही पता नहीं। जब आपको, जब मैं था तो भगवान, जब तक मैं था मतलब मैं, मुझे पता है कि मैं कौन हूं, तो भगवान बोले तुझे तो पता है मैं नहीं रहता। जब मैं था तो हरि नहीं, भगवान नहीं, और जब हरि है, जब भगवान आएंगे मेरे हृदय में तो मुझे मेरा पता नहीं रहेगा, मैं नहीं रहूंगा। जब हरी तो मैं ना आए, और प्रेम गली अति साकरी, ये प्रेम की गली इतनी सकरी है कि इसमें या तो अनिरुद्धाचार रहेगा या तो भगवान रहेंगे, दोनों नहीं रह सकते। या तो अनिरुद्धाचार को अपने आप को जैसे मिश्री पानी में घुलकर क्या हो गई, पानी हो गई, ऐसे भगवान में मिलकर आप भी भगवान हो जाएं, एक हो जाएं, भेद ना रहे, एक हो जाए। जैसे पति और पत्नी मिलकर एक हो गए, उसी तरह भक्त और भगवान मिलकर एक हो जाएं, भेद ना रह जाए। पति पत्नी में कोई भेद है, ये तेरा ये मेरा, ये ते पत्नी बोले जी ये आपका है ये मेरा, ऐसा कोई भेद है? ये बेटा तुम्हारा ये बेटा हमारा, ये बेटी तुम्हारी ये बेटी हमारी, ऐसा कोई भेद है? ये घर तुम्हारा ये घर हमारा, ये रसोई तुम्हारी ये रसोई हमारी, ये बिस्तर तुम्हारा ये बिस्तर हमारा, पति पत्नी में ऐसा कोई भेद होता है? जो पत्नी का है वो पति का है, और जो पति का है वो पत्नी का है। हाँ, यदि भेद है तो फिर वो रिश्ता कहाँ है?
हाँ या ना, वो रिश्ता है मतलब भेद नहीं होगा। उसी प्रकार जब भगवान से रिश्ता है तो फिर भगवान और भक्त में भेद किस बात का, एक हो जाओ ना मिलकर। वो एक होना ही भक्त के लक्षण है। लेकिन आप माला सारी जिंदगी जपोगे, पूजा करोगे, एक नहीं हो पाओगे। क्यों नहीं हो पाओगे? क्योंकि एक होने के लिए आपको ये भाव रखना पड़ेगा कि सब भगवान का है। अपने आप को हटाना पड़ेगा। किस बात से हटाना पड़ेगा? अभी तक आपने क्या माना? सब मेरा है। अब क्या मानना है? सब भगवान का। तो सब भगवान, देखो कह देना बहुत सरल है, आपने यहां तो कह दिया, लेकिन आप तो सारी जिंदगी यही गाना गाती हो, ये बेटा मेरा है, महाराज जी हमारे चार बेटे हैं, ये घर हमारा है, भगवान का दिया खूब है, सब कुछ है। आप यहां कितने भी बैठ करके सिर हिला लो, महाराज जी आज से ऐसी कहेंगे, लेकिन घर जाते जाते जरूर आपके अंदर ये आ जाएगा कि ये जी मेरा है। और जबकि ये मेरा है ये कहना झूठी बात है। ये वही बात हो गई कि ट्रेन की सीट आपने कही मेरी है, तुम्हारे बाप दादे सब मर गए ये कह कह के कि ये सीट मेरी है, पर वो किसी की नहीं हुई। ट्रेन की सीट आज तक किसी की हुई? बोलो हाँ। सब मर गए कह कह के कि मेरी है मेरी है मेरी है मेरी है, झूठ ही था के नहीं, ये भ्रम था के नहीं, ये सीट मेरी है ये भ्रम है या नहीं? जोर से। उसी तरह ये पत्नी ये परिवार मेरा है ये भी एक भ्रम है, ये भी एक आप भ्रम में जी रहे हैं। इसलिए आज से भगवान से कहो, तन भी तेरा मन भी तेरा सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का, प्रभु जी को अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हर। तो आज से क्या करेंगे मेरी माँ? सौंप देंगे। क्या करेंगे? मैं पहले भी आपको एक बात बता चुका हूं कि एक सेठ जी थे, उन्होंने बहुत बड़ी फैक्ट्री डाली, फैक्ट्री बिल्कुल चली नहीं, बैंक का कर्जा हो गया, उनकी स्थिति ये आ गई कि कार्यकर्ताओं को देने का पैसा नहीं था। उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, आत्महत्या करने का मन बना लिया। उनके कोई गुरुजी थे, बेटा ये आवाज थोड़ा बंद करा दो, बोले बाद में कर लेना काम। तो उनके गुरुजी के पास वो गए और गुरुजी से बोला कि गुरुजी अब तो हम बर्बाद हो गए हैं, बैंक का कर्जा लिया, फैक्ट्री डूब गई, अब चुकाने का नहीं है कुछ भी, अब तो आत्महत्या ही एक ऑप्शन है। तो गुरुजी ने कहा कि आत्महत्या मत करो, एक छोटा सा उपाय कर लो। हाँ हाँ गुरुजी बताओ। फैक्ट्री चल जाएगी? हाँ हाँ खूब चलेगी। अच्छा बताओ फैक्ट्री किसकी है? बोले गुरुजी हमारी है, हमने ही डाली है। गुरुजी बोले इसलिए नहीं चल रही है क्योंकि मालिक तुम हो। अब एक काम करो, अपनी फैक्ट्री का मालिक भगवान को बनाओ, अपने फैक्ट्री में गोपाल जी को रखो, प्रभु को रखो, कह दो सारी फाइलें भगवान को सौंप दो, प्रभु ये आपका है और तुम नौकर बन जाओ, और नौकर बन करके सारा काम संभालो, फिर देखना। उन्होंने माना, अपने गोपाल जी को फैक्ट्री में ले जाके स्थापित कर दिया। प्रार्थना सच्चे मन से आंखों में आंसू भर के कहा, प्रभु ये सब कुछ आपका, मैं इस घमंड में रहा कि सब मेरा है, पर बात सच्ची है कि आपके सिवा भला संसार में और क्या किसका हो सकता है। सब कुछ सौंप दिया, अब नियम बना लिया कि सारी हाजिरी भगवान के सामने लगाई जाएगी, सारा हिसाब भगवान को दिया जाएगा, सारे बिल भगवान के पास आएंगे। मतलब पूरा भगवान को उन्होंने एक ऐसा
मुखिया बनाया, वो नौकर की तरह मैनेजर की तरह मैनेज करते, पूरा मालिक भगवान, फायदा हो भगवान का, नुकसान हो भगवान का। भैया वो देखते देखते फैक्ट्री चल पड़ी और आज मतलब वो व्यक्ति इतना सफल हुआ, ऐसी ना जाने कितनी फैक्ट्री उन्होंने बनवाई और सफल हो गए। बस क्या बदला, ये भाव बदल दिया कि मालिक मैं नहीं भगवान है। आप भी ये भाव क्यों नहीं बदल डालते कि कर्ता मैं नहीं हूं, मालिक मैं नहीं हूं, भगवान है। ये आप मान लो, आप मानो ना मानो, पर सच्चाई यही है कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है और मेरा आपकी कृपा से। लेकिन जबरदस्ती हमारा जो एटीट्यूड है ना, वो जाता ही नहीं। हमें लगता सब हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, जबकि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा बताओ हम क्या कर रहे हैं, मैया आप बताओ, ये मैया बताएंगी, गुलाबी मैया बताओ हम क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रही हो, आप क्या करती हो मेरी मां। आप लोग क्या करते हैं बताओ जरा, आप लोगों से पूछा जाए कि आप लोग क्या करते हैं तो आप बोलेंगे हम बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, ये करते हैं ना, ये कुछ भी आप नहीं करते। हम क्या करते हैं, सुनो हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं ना, तो बताओ बोल रहे हैं तो अपने बल से बोल रहे हैं क्या। यदि हमारी धड़कन बंद हो जाए तो हम क्या कर लेंगे, मतलब हमारी धड़कन को बनाए रखने के लिए हमारी श्वासों को देने वाला कोई और है, वो दे रहा है श्वासें, हम तो केवल श्वासों का सदुपयोग कर रहे हैं। आपको कथा सुनाकर, ईश्वर ने आंखें दी, देखने की दृष्टि दी, तो हम देख रहे हैं भगवान के चरण, आप भक्तों का दर्शन कर रहे हैं। ईश्वर ने हमें देखने के लिए आंखें दी, तो आंखें हमारे बाप की तो है नहीं मैया, ये आंखें आपके बाप की हैं। जिसकी आंखें खराब हो जाए तो बाप से मांग लेगा क्या, मतलब ना तुम्हारे बाप की है ना तुम्हारे दादा की है, ये आंखें किसकी हैं, भगवान की दी हैं। जब तक वो चाहेंगे आप देखेंगे, वरना आंखें तो होंगी पर आप देख ना पाएंगे। ये पांव तो हैं आपके पास पर चलने की शक्ति भगवान ने दी, वो ना चाहे तो आप ना एक कदम ना चल पाएंगे। आप देख लो पैरालिसिस हो जाता है जिनको, एक कदम नहीं चल पाते। यदि हम और आप दौड़ रहे हैं तो ये कृपा किसकी है, जोर से हाँ, तो तुम किसकी कृपा से चल रहे हो, बाप की या भगवान की। तुम किसकी कृपा से देख रहे हो, बाप की या भगवान की। तुम किसकी कृपा से सुन रहे हो, बाप की या भगवान की। तो फिर तुम्हारा है क्या ये तो बताओ, सब भगवान का है, तुम्हारा क्या है और तुम्हारे बाप का क्या है, जो तुम कहते रहे तो ये हमारा ये हमारा ये हमारा, वाह सब तुम्हारा है, क्या है तुम्हारा। इसलिए जिसने आंखें दी, जिसने आंखों में देखने की शक्ति दी, जिसने कानों में सुनने की शक्ति दी, जिसने पांव में चलने की शक्ति दी, जिसने दिल को धड़कने की शक्ति दी, वही परमात्मा हमारे पिता हैं, वही हमारी मां है। उन्हीं की सेवा में लगो और सब उन्हीं का है ये मान लो, ये सबसे बड़ी भक्ति है, ये सबसे बड़ी भक्ति है, सब कुछ उन्हीं का है। ये चमक ये दमक ये सब फुलवैया, सब कुछ सरकार तुम्हें से है, सब कुछ आपसे ही है, हमसे कुछ भी नहीं है। बताओ ये बात सही है कि नहीं, सब कुछ भगवान से है। मैया बोलो ना मेरी माँ, सब कुछ किससे है, आपसे क्या है। ये चमक ये दमक फूल बन मझलक, ये चमक ये दमक फूल बन महक, सब कुछ सरकार तुम्हें से है, सब कुछ सरकार तुम्हें से है। ये चमक ये दमक फूल बन महक, ये चमक ये दमक फूल बन महक,
सब कुछ सरकार तुम्हें दे है। ये चमक ये दमक फूल बन महक सब कुछ सरकार तुम्हें से है। चूमे सैया के चरण इठला के पवन चूमे सैया के चरण इठला के पवन बगिया में बहार तुम्हें से है। बगिया में बहार तुम्हें से है। ये चमक ये दमक भूलवन महक ये चमक ये दमक भूलवन महक सब कुछ सरकार तुम्हें से। सब कुछ उन्हीं से है। आप आंखों में काजल कितना भी लगा लो, आप आंखों को कितना भी ऊपर नीले हरा नीला पीला हमारी मैया लोग नहीं कर लेती। ये तुम्हारा नीला पीला हरा सब करना तब तक अच्छा है जब तक आंखों में रोशनी है। हाँ ये रोशनी खत्म तो कर लो भर नीला पीला हरा गुलाबी। तुम कितनी भी लिपाई पुताई कर लो पर तुम्हारे लीपने पोतने से कुछ ना होगा। आंखों की सुंदरता तुम्हारे सजाने से क्या, आंखों की सुंदरता तो रोशनी से है ना मेरी माँ। आंखें अंधी हो रोशनी ना हो तो बस सजाने से क्या फायदा बताओ जरा। तो आंखों में रोशनी देने वाले कौन हैं? फिर तो आप क्या आपका क्या है जरा आप बताओ। मैं ये कान की शोभा झुमकों से नहीं है। अब कोई बहरी है और झुमके इतने बड़े बड़े लटका है स्टैंड बना रखे तुमने। कानों की शोभा झुमकों से नहीं, कानों की शोभा शब्दों से है। यदि सुनाई पड़ रहा है तो कान कान है वरना स्टैंड है चश्मा टांगने का और है ना और मास्क पहनने का, मास्क का स्टैंड चश्मे का स्टैंड। तो मेरी मां पांव की सुंदरता पायल से नहीं है। अब जिसको पैरालिसिस हो गया उसको आप सोने की पायल पहना दो हाँ या ना। इसलिए ईश्वर ने जो हमें दिया है वो अनमोल है। संसार की कोई वस्तु इतनी कीमती नहीं है। आंखों की रोशनी परमात्मा ने दी, कानों में सुनने की शक्ति परमात्मा ने दी। आप कितना भी पैसा कमाओ पर आप चल ना पाओ अपाहिज हो जाओ तो बताओ आप उस पैसे से खुश रहेंगे? सबसे बड़ी खुशी तो चलना फिरना है ना मेरी माँ, और वो खुशी ईश्वर ने दी। इसलिए भगवान का सब कुछ है। तो आज से आप क्या करेंगे? सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे। गोपियों के पास उद्धव जी आए तो भगवान की भक्ति क्या है? समर्पण। भगवान की भक्ति क्या है मेरी मां? जोर से जोर से। आपने समर्पण किया? किया तो अच्छा है, नहीं किया करो। माला ही जपती मत रह जाना, माला भी जपना पर पहले समर्पण। गोपियों ने समर्पण कर दिया, हम कृष्ण की है। उद्धव जी आए समझाए तब गोपियों ने कहा, ए उद्धव हमें प्रेम की, ए उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का
श्याम हमारा काम, रोम रोम में रम रहा वो मत वाला श्याम, इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी हैं वो प्रेम दीवाना। गोपियां बोली हमें ज्ञान न सिखाओ, उद्धव जी ने संदेशा सुनाया, गोपियों ने कहा हमारा भी संदेशा दे देना, गोपियों ने संदेशा दिया। उद्धव इन असुवन को, असुवन को मतलब आसुओं को, उद्धव इन असुवन को हरिसन मुख ले जाओ, पूछे हरी कुशल तो चरणों में दियो चढ़ा। कहियो जी इस प्रेम का यह तुच्छ सा नजराना। जाओ हमारे प्रेमी कृष्ण को हमारे नेत्रों का जल दिखा देना कि देखो तुम्हारी गोपियों ने ये भेजा है तुम्हारे लिए। अच्छा गोपियां, कृष्ण ने तो संदेशा भिजवाया पर गोपियां क्या संदेशा भिजवाती, तो गोपियों ने संदेशे में अपने आंसू पहुंचा दिए, मेरे आंसू दिखा देना। अब आंसू दिखा देना, याद रखो साहब कागज में क्या लिखा है, शायद हमें वो भाषा पढ़नी ना आए, कागज की भाषा शब्दों की भाषा शायद हम ना जाने, पर संसार का प्रत्येक प्राणी आंसुओं की भाषा जानता है, हाँ या ना। आंसुओं की भाषा, बच्चों के आंसुओं की भाषा माँ जानती है, पत्नी के आंसुओं की भाषा पति जानता है, बेटी के आंसुओं की भाषा पिता जानता है, तो भक्त के आंसुओं की भाषा भगवान जानते हैं कि मेरे भक्त की आंखों में आंसू क्यों है। ये आंसू इसलिए गोपियां आंसू बहाती हैं, भरत जी रोए, मीराबाई रोई, क्यों रोई, क्योंकि रोना भी भक्ति है। ये खग जाने खग ही की भाषा, आंखों का पानी बहुत कुछ कहता है मेरी माँ, बस पढ़ने वाला होना चाहिए। आंखों के जल में बहुत कुछ लिखा है, बस पढ़ने वाला होना चाहिए। ये बात सही है या गलत है? आंखों के जल में बहुत कुछ लिखा, इसलिए प्रेम डोर से बंध रहा जीवन का संयोग, सुमिरन में डूबी रहे यही हमारा योग, कानों में रहे गूंजता, कानों में रहे गूंजता वंशी का तराना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी हैं वो प्रेम दीवाना। एक दिन नयन के निकट रहते थे आठों याम, अब बैठे हमें विसार के वो निर्मोही घनश्याम। अब भुला दिया सब तंत्र व मंत्र क्रिया विधि से, मुरली ध्वनि प्रयोग बड़ा है, हरे कृष्ण सभी सत व्यंजनों में अधिरामृत मोहन भोग बड़ा है।
जग में वह औषधि है ही नहीं, सब रोगों में प्रेम का रोग बड़ा है, जिस योग पतंजलि ने भी रचा उस योग से कृष्ण भी योग बड़ा है। अच्छा बताओ सबसे बड़ा रोग क्या है, आप बताओ। पीली मैया, सबसे बड़ा रोग क्या है? नहीं पता, आप बताओ। पीले भैया, सबसे बड़ा रोग कौन सा है? ये भैया बताएंगे आपके बगल वाले। आपने किसी से प्रेम किया कभी? विवाह किया है? किससे प्रेम किया आपने? मैया बताओ सबसे बड़ा रोग क्या है? जग में वह औषधि है ही नहीं, हर रोग का उपचार है, पर एक रोग है जिसका उपचार, कौन सा रोग? हो मैं हूं प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, दवा तो कराओ, कोई वैद्य को बुलाओ, मैं हूं प्रेम रोगी। मीराबाई कहती है, दर्द की मारी बन बन डोलू, वैद्य मिले नहीं कोई, हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। ये दर्द है कैसे ठीक होगा? बोले दर्द तब ठीक होगा जब वैद्य सांवरिया होए। कृष्ण ही मेरा रोग है और कृष्ण ही मेरा उपचार है, मैं हूं प्रेम रोगी, हो मैं हूं प्रेम रोगी मेरी। तो ये प्रेम रोग जो है ये सबसे बड़ा रोग है, इसलिए कौन सा प्रेम रोग? जगत से प्रेम का रोग ना लग जाए, भगवान से प्रेम का रोग लगे। अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं भाता, जब रोग ये लग जाता है तो प्रेम रंग ही भाता। इसलिए कुछ समझा कुछ समझ न पाया, दिल वाले का दिल भर आया, और कभी सोचा जाएगा क्या कुछ खोया क्या कुछ पाया। जा तन लगे वो तन जाने, ऐसी है इस रोग की माया। जिसको ये रोग लगता है वही जानता है कि ये रोग क्या है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि ये जो रोग है ना बड़ा खतरनाक है। सब तंत्र व मंत्र क्रिया विधि से, मुरली ध्वनि प्रयोग बड़ा है, जग में वह औषधि है ही नहीं, सब रोगों में प्रेम का रोग बड़ा है, जिस योग पतंजलि ने भी रचा उस योग से। सबसे बड़ा योग कौन सा है? सबसे बड़ा योग कौन सा है मैया? सबसे बड़ा योग कौन सा है?
सबसे बड़ा योग कौन सा है? योग के आगे लगा दीजिए, सबसे बड़ा योग कौन सा है? बोले योग से भी बड़ा है वियोग। क्या है? क्या है? वियोग। जैसे एक पत्नी को पति का वियोग, जैसे एक पिता को पुत्री का बेटी का वियोग, विदाई हो गई, वियोग हो गया, वियोग है। जैसे गोपियों को कृष्ण का क्या हुआ, जैसे अयोध्या वासियों को राम जी का क्या हुआ, ऐसे ही भक्त को भगवान का वियोग है। और इस वियोग में गोपियां बोली, हमारा योग तो कृष्ण वियोग ही सबसे बड़ा योग है, अब इससे बड़ा योग क्या होगा। योग में आपने देखा होगा आखिरी में लोग हंसाते हैं, हंसो हा हा हा, स्वस्थ रहोगे। यदि हंसने से शरीर स्वस्थ रहता है तो रोने से भक्ति स्वस्थ रहती है। इसलिए कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। मेरे साथ होता है प्रतिक्षण तमाशा, है आंखों में आंसू और हृदय में निराशा। नहीं हंसते हैं नहीं रोते हैं, नहीं जागते हैं नहीं सोते हैं। यह दर्द जुदाई की रातें, या मैं जानूं या वो जाने। गोपियां उद्धव जी से कहते हैं, हमें ज्ञान ना दो। कृष्ण के प्रेम में गोपियां बोली, अब हमें जीना नहीं, मर जाने दो, अब जीकर क्या करें, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ मोहन रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ कान्हा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। एक सखी बोली, अब तो मर जाएंगी क्यों, अब किसके लिए जिए, जीना था तो केवल कृष्ण के लिए, अब किसके लिए जिए ये तो बताओ। देखो गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं, और प्रेम तो आप लोग भी करते हैं, किससे आप लोग भी करते हैं प्रेम, कोई अपनी पत्नी से, कोई पति से, कोई बेटा से, कोई परिवार से, कोई किसी से, प्रेम तो सभी लोग करते हैं, वो करना भी चाहिए, पर प्रेम संसार से थोड़ा करो। भगवान से ज्यादा करो, जगत से थोड़ा, भगवान से ज्यादा प्रेम करो। लेकिन आप लोग भगवान से थोड़ा करते हैं, संसार से ज्यादा, हाँ या ना। भगवान से प्रेम बढ़ाओ मेरी मां, जगत से थोड़ा प्रेम कम, क्योंकि जगत तो आज है कल नहीं रहेगा, भगवान तो सदा, हम उन्हीं के घर से आए हैं। अच्छा ये बताओ, सारी बेटियां बताएंगी, शादी के बाद तुम अपने पिता को भूल जाती हो क्या, अपनी मां को भूल जाती हो क्या, बोलो, विवाह के बाद आप भूल जाती हो? नहीं।
तो जब विवाह के बाद, विवाह का मतलब हुआ कि आप एक घर से दूसरे घर चली गई, और जब एक घर से दूसरे घर जाकर आप पहले वाले घर को नहीं भूली, तो फिर आप भगवान के घर से यहां आकर भगवान के घर को क्यों भूल गई? जैसे ससुराल में जाकर कोई मायकों को भूलता है क्या? बोलो। उसी तरह ये संसार हम सबका ससुराल है। संसार हम सबका क्या है और हम सबका मायका क्या है? जोर से, भगवान का घर हमारा क्या है? भगवान क्या है आपके? भगवान आपके रिश्ते में क्या लगते हैं? भगवान आपके क्या लगते हैं मैया बताओ? चश्मा वाली तीनों मैया, त्वमेव माता। तो भगवान आपके कौन है? मां। मां से मायका होता है। तो भगवान के घर से हम लोग आए हैं और वापस भगवान के घर को जाएंगे। ये ससुराल कुछ दिनों का है साहब, वरना तो लौट के वहीं जाना है जहां से आए थे। समस्या तो ये है, यहां वाले माँ बाप को आप नहीं भूलते तो भगवान को आप क्यों भूल जाते हैं? इसलिए उन्हें याद रखो। गोपियां बोली, अब जिए तो किसके लिए जिए, अब हम मर जाएंगी। आप लोग प्रेम करते हैं संसार से, लेकिन संसार का प्रेम काम ना करेगा, संसार का प्रेम स्वार्थी है। अच्छा ये बताओ, आपसे जितने लोग प्यार करते हैं, चाहे वो आपकी माँ हो, आपका बेटा हो, आपके पिता हो, आपकी पत्नी हो, आपका पति हो, आपका पुत्र हो, सब हर रिश्ते की बात पूछ रहा हूं मैं आपसे, एक उत्तर देना बताओ, सारे रिश्तों में स्वार्थ होता है या नहीं? एक रिश्ता बताओ जिसमें स्वार्थ ना होता हो। कोई भी रिश्ता बोल सकते हैं, ऐसा कौन सा रिश्ता है जिस रिश्ते में स्वार्थ ना हो? उत्तर दे दो मेरी मां। मैया, ओ मेरी मैया। ओ भैया सो रहे हैं क्या? चश्मा वाले नहीं सुन रहे हैं? एक ऐसा रिश्ता बताइए साहब जिस रिश्ते में स्वार्थ ना हो, बस नाम बोल दीजिए उस रिश्ते का। कौन सा रिश्ता है जिस रिश्ते में स्वार्थ ना हो? हाँ, कौन सा? हाँ, संसार के हर रिश्ते में एक रिश्ता ऐसा बताओ, सांसारिक बातें बताओ जिसमें स्वार्थ ना हो, आप बताओ। ये भैया बताएंगे कौन सा रिश्ता है। माँ, माँ सच्ची बताना, माओ को स्वार्थ नहीं होता बच्चों से? तुम भी तो माँ हो, बताओ। अच्छा सच्ची बताना, दिल में हाथ रख के, क्या माओ को बच्चों से स्वार्थ नहीं होता? बोलो। एक माँ के दो बेटे हैं, जो बेटा ज्यादा कमाएगा माँ उसकी तरफ ज्यादा होगी। बैठा रहे कुछ ना करे तो माँ बोलेगी निखट्टा बैठा रहता, कुछ करता धरता है नहीं। दो बातें माँ ही सुनाने लग जाएगी उस निकम्मे बेटे को। ये सब कहने की बातें हैं कि माँ स्वार्थी नहीं होती, बाप स्वार्थी नहीं होता, बहन स्वार्थी नहीं होती, पत्नी स्वार्थ, सब कोई स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। संसार का एक रिश्ता आप बता नहीं सकते जिसमें स्वार्थ ना हो, हर रिश्ता स्वार्थी है। इसलिए ये स्वार्थ के बाजार में क्यों माथा पच्ची करना? एक भगवान से आपका जो प्रेम है, भगवान ने आपको पीने को पानी दिया, खाने को अन्न दिया, श्वासें दी, बताओ क्या स्वार्थ है उनका? बोलो। तो संसार का हर रिश्ता स्वार्थी है, पर भगवान से हमारा जो संबंध है वो निस्वार्थ है। इसलिए भगवान से प्रेम कीजिए। आप लोग संसार से, एक लड़का एक लड़की से प्यार करती है,
वो प्यार नहीं है, वो स्वार्थ है। आजकल जो आई लव यू खेलते हैं ना बच्चे, क्या खेलते हैं बच्चे आजकल? आई लव यू खेलते हैं? ये क्या है? ये प्यार है कि स्वार्थ है? जोर से। लेकिन इस स्वार्थ को नाम क्या दिया? प्यार। हम प्रेम करते हैं, प्रेम नहीं है, स्वार्थ है। प्रेम में कुछ लेना नहीं होता, प्रेम में तो सिर्फ देना होता है। जहां कुछ लेने का मन हो वहां स्वार्थ है, जहां कुछ देने का मन हो वो प्रेम है। इसलिए गोपियां चाहती तो मथुरा जाकर के दर्शन कर आती, वृंदावन में ही तो थी, पर गोपियां बोली कि यदि हमारे कृष्ण हमारे बिना खुश हैं तो हम उनसे मिलकर उनकी खुशी में व्यवधान उत्पन्न करना नहीं चाहती। इसलिए गोपियों ने कृष्ण की खुशी में ही अपनी खुशी मानी, यही प्रेम है। प्रेम को चाहता नहीं है। पत्नी आपको अपने हिसाब से चला रही है, पति आपको अपने हिसाब से चला रहा है, बच्चे आपको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। जो अपने हिसाब से चलाना चाहे वो प्रेम नहीं है, वो स्वार्थ है। प्रेम हिसाब से चलाने का नाम नहीं है, प्रेम तो हिसाब से चलने का नाम है। हम प्रभु की इच्छा में भगवान हमें 56 भोग दें, ये भगवान की इच्छा। भगवान हमें नमक रोटी दें, ये भगवान की इच्छा। और इस हर इच्छा में हम खुश रहें, यही भक्ति का अर्थ है। भगवान से शिकायत ना की जाए कि भगवान तुमने ये नहीं दिया वो नहीं दिया। जहां शिकायत है वहां प्रेम कहां है? प्रेम में शिकायत हो ही नहीं सकती, अपोजिट है। जहां दीपक होगा, जहां सूर्य होगा, वहां अंधकार हो नहीं सकता, और जहां अंधकार है वहां सूर्य नहीं हो सकता। आप कहो जी दोनों हमने देखे एक साथ, तो आप गलत कह रहे हैं। आप बोले कि हमने अंधकार भी देखा और सामने सूर्य भी था, सूर्य भी था और अंधकार भी था, एक साथ नहीं देख सकते आप। जहां अंधकार देखेंगे वहां सूर्य नहीं होगा, और जहां सूर्य देखेंगे वहां। आप कहें जी कि हमारे अंदर कुछ अपने हिसाब से चलाने के, भगवान हे भगवान बहू के बेटा ही हो, हे भगवान हमने इतनी पूजा की हमें ये दो, ये क्या है? ये भगवान को अपने हिसाब से चलाना है, ये प्रेम नहीं है, ये स्वार्थ है। जहां भगवान को अपने हिसाब से चलाया जा रहा है, प्रेम तो है। प्रेम तो ये कहता है जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए, और सीता राम सीताराम कहे। ये जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखें चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम जपिए, जाही विधि रखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम सीताराम, ये निस्वार्थ जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और हर हाल में सीताराम सीताराम तुम हमारे हिसाब से चलो। ये क्या है? जोर से, मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, ये क्या है मेरी मां? हाँ, भगवान के हिसाब से चलो। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दें, जहां जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये क्या है? ये प्रेम है। जहां आप चाहो, मर्जी आपकी। तो आजकल जो लड़के लड़की करते हैं प्रेम, वो क्या है? स्वार्थ है, वो प्रेम नहीं है। इसलिए लड़कियों को ये झूठे आई लव यू के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कोई लड़का आपसे प्यार व्यार नहीं करता, वो तो आपका शोषण करना चाहता है, शारीरिक आपका शोषण करके आपका
शोषण पूरा होने के बाद वो अपनी भूख मिटाने के बाद आपको छोड़ के चला जाएगा। आप रहिया ना परेशान, रोती रहना कि हमसे प्यार किया। देखो फिर आप गीत गाती फिरोगी, दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानूं। उसने दिल जोड़ा ही इसलिए था आपसे कि थोड़ा वो आपका शोषण कर ले। शोषण कर लिया, शारीरिक प्यास बुझा ली, अब आपको छोड़ दिया। कोई प्यार व्यार तो था ही नहीं ना मेरी माँ। इस संसार में कोई आपसे प्यार क्यों करेगा, उत्तर दो। बिना स्वार्थ के कोई आपसे क्यों प्यार करेगा, बताओ बताओ, उत्तर दो। अरे साहब जमाना तो ऐसा है कि कोई आपको राम राम भी कर रहा ना आज के जमाने में, तो बिना स्वार्थ के लोग राम राम भी नहीं करते आजकल। आपके पास फोन भी लोग तभी लगाते हैं जब कोई काम पड़ता है। हाल चाल पूछने के लिए तो कम लोग हैं जो फोन लगाते हो, बाकी काम पड़ेगा तो हाँ जी अब कहाँ होता, सब ठीक है। अच्छा एक छोटा सा काम था, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, ये रामचरितमानस में लिखा, सुर नर मुनि जन की यह रीति। बिना स्वार्थ का तुम्हारा पति भी स्वार्थ से जुड़ा है तुमसे, तुम्हारी पत्नी भी स्वार्थ से ही जुड़ी है। बिना स्वार्थ के ना पत्नी है ना पति है, इसको बारीकी से विचार करना तो पता लगेगा कि क्या स्वार्थ है। पति कमा कमा के लाए तो पत्नी बढ़िया प्यार करती है, बढ़िया से रखती है, रहती है, और पति ना कमाए निठल्ला घर में बैठा तो मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो, काम धाम लग जाए तो बताना आऊंगी। हाँ या ना, पति भी शादी के बाद कुछ पति क्या बोलते हैं, अरे तुम सांवली हो, तुम अच्छी दिखती नहीं हो, कितने शादियां शादियों के बाद ये रिश्ते टूट गए इस चक्कर में कि तुम दिखने में थोड़ा अच्छी नहीं हो। रिश्ते टूट गए कि नहीं, कितने केस आपको मिल जाएंगे इस बात पर कि लड़का लड़की का रिश्ता टूट गया, तलाक हो गया, इस बात पर कि लड़की अच्छी दिखती नहीं है। मतलब व्यक्ति तुमसे जुड़ा क्यों था, तुम्हारी सुंदरता, कोई स्वार्थ। स्वार्थ ना हो तो भाई साहब क्या हो बताओ, प्रत्येक प्राणी स्वार्थी है। कुत्ता भी तुम्हारे घर में पूंछ हिलाता तभी आता है जब तो रोटी के दो टुकड़ों की उम्मीद हो, यदि नहीं मिले रोटी तो वो भी तुम्हारे घर में पूंछ नहीं हिलाएगा, बोलो हाँ, दूसरे घर देखेगा। तो कुत्ता भी यदि तुम्हारे घर पूंछ हिला रहा है तो समझ लो कि उसका भी तुमसे कोई ना कोई स्वार्थ है। इसलिए मेरी बहनों, कोई तुम्हें आई लव यू कह रहा है तो जरूर उस आई लव यू कहने वाले का तुमसे कोई स्वार्थ होगा, चक्कर में ना पड़ जाना, वो शोषण करके तुम्हें च्युइंगम की तरह चबाकर थूक कर चला जाएगा, तुम पड़ी रह जाओगी। इसलिए ये संसार बड़ा स्वार्थी है, आप मानो ना मानो घर पे विचार करना मेरी बातों का। हाँ मैया सही है, हाँ। इसलिए प्यार व्यार संसार से नहीं, लड़कियों को शादी करनी चाहिए, जहां माँ बाप कहें शादी विवाह कर लो, प्रेम से रहो, खुश रहो, और झूठे प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ा करो। आज कितने लड़का लड़की बर्बाद हो गए प्यार व्यार के चक्कर में। आप लोगों का तो नहीं है किसी से प्यार, क्यों शादी हो गई आपकी, नहीं हुई, प्यार व्यार तो नहीं करते किसी से, बाल तो ऐसे ही कटवा रखे हैं। ये खड़े बाल बता रहे हैं कि कुछ चक्कर वक्कर है। क्यों नहीं है ना, अच्छा है, किसी चक्कर में ना रहना। किसी को आई लव यू तो नहीं बोला आपने, अरे आपसे थोड़ी बोला आपके बगल में। हाँ ये झूठे आई लव यू के चक्कर में ना पड़ जाना, पढ़ो लिखो योग्य बनो, और मेरे नौजवान दोस्तों मेरी बहनों अपने आप को काबिल बनाओ, योग्य बनाओ,
जिस उम्र में, समस्या तो ये है कि जो उम्र योग्य बनने की है, कुछ कर दिखाने की है, वही उम्र प्यार करने की भी है। या एक ही काम हो सकता है, या तो आपका प्यार चलेगा, या तो आप कुछ अपना नाम इज्जत समाज में कमा सकते हैं, पद प्रतिष्ठा बना सकते हैं। वही उम्र होती है कुछ कर दिखाने की, और वही उम्र होती है प्यार करने की, इश्क करने की। इसलिए चक्कर में ना पड़ो, पढ़ो लिखो, शादी कर लो, फिर अपनी पत्नी से खूब इश्क करना, खूब प्यार करना, कौन रोकने वाला है। माना कि रिश्तों में स्वार्थ है, पर पति पत्नी के रिश्ते बढ़िया हैं। इस रिश्ते में रहना अच्छी बात है। भगवान राम भी इस रिश्ते में रहे, भगवान शंकर जी भी इस रिश्ते में है, शंकर जी भी गृहस्थी हैं। बोलो हाँ, हमारे भगवान श्रीमन नारायण भी गृहस्थी हैं, लक्ष्मी और नारायण संग। तो आप तो रहो रिश्ते में, अच्छी बात है, पर किसी और में ना पड़ जाना, ये प्रार्थना है। प्यार व्यार ना झूठा होता है, क्यों सही है? आपके दोस्त वोस्त प्यार व्यार करते हैं किसी से? करते हैं? आप तो नहीं करते, सच्ची बोल रहे हो ना? हाँ, प्यार व्यार में ना पढ़ना, को पढ़ाई लिखाई पढ़ते हो, मन लगा के पढ़ना। कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। गिनो जरा कितनी चीजें मन्नाडे जी गा रहे हैं। बोलो कसमे, जोर से कसमे वादे प्यार वफा, ये चार चीजें क्या है? बातें, तुम्हें कसम दे दी, तुमसे वादा किया, ये सब बातें हैं। कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे, कोई किसी का नहीं ये झूठे, नाते हैं नातों का क्या। कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। ये सब बातें हैं, हमने तेरे से प्यार किया, हमने प्यार किया, हमने दिल दे दिया, हमने सब बातें। इस चक्कर में बिल्कुल ना पढ़ो, सिर्फ पढ़ो लिखो, योग्य बनो, और अपने माँ बाप का, अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन करो। गोपियां बोली अब हम मर जाएंगी। गोपियों ने कहा, एक सखी ने दूसरी से कहा मैं मर जाऊंगी, तो दूसरी ने कहा आशा रख पगली आएंगे, हरि आएंगे, प्रभु आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, जय हो, आशा रख, पगली आएंगे, आशा रख, पगली आएंगे, आशा रख, पगली आएंगे, आशा रख, पगली आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, प्रभु आएंगे, प्रभु आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, जहो आशा रख, जहो आशा रख, पगली आएंगे, आशा रख, पगली आएंगे। पहले मुख चंद्र दिखा करके फिर हाय वियोग दिखाने लगे, निज प्रेम की नाव चढ़ा करके मझधार में नाव डुबाने लगे, मझधार में नाव डुबाने लगे, मझधार में नाव डुबाने लगे। बस एक ही बार हंसा करके अब सारी उम्र रुलाने लगे,
करुणा करनी तो दूर रही, करुणा निधि होके रुलाने लगे। हे करुणा निधि होके रुलाने लगे, करुणा निधि होके रुलाने जप तपे और साधन क्या जाने। हम श्याम नाम की दीवानी, नित नेम के बंधन क्या जाने। ब्रज की भोली गवारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने। मेरे और मोहन की बातें एक मैं जानूं या वो जाने। प्यार झूठा सही, प्यार झूठा सही, दुनिया को दिखा रे आजा। तू किसी और से मिलने के बहाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा। वो आज तमाशा होगा, तुम भी आना मेरे घर, आज तमाशा होगा, तुम भी आना। मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। खुशी अधूरी है, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। आंखें तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर
मेरे श्याम, मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है, आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। हम प्रेम नगर की बंजारन, जप तप और साधन क्या जाने, हम श्याम नाम की दीवानी, नितनेम के बंधन क्या जाने, हम ब्रज की भोली गवारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने, मेरे और मोहन की बात एक मैं जानू या वो जाने, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आ। गोपी बोली अब मर जाएंगी, बोले ना वो आता होगा, क्यों मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। सब जब गोपियां रोई तो सब आ गए, तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा, तुम भी आना मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। गोपियां रोईं और उद्धव जी से कहा, उद्धव कन्हैया से कह देना कि कभी अगले जन्म में एक बार वो राधा बने और एक बार मुझे कृष्ण बनाने का अवसर दें। जब वो कभी राधा बन करके मेरी तरह कृष्ण के लिए तड़पेंगे तो पता लगेगा कि वो तड़प क्या है, क्योंकि जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं वो बेटी की विदाई क्या जाने। कुछ चीजें होती हैं कि वो सब नहीं जान सकते, जिसकी बेटी नहीं है वो बेटी की विदाई का दर्द नहीं जान सकता, जिसके पांव में कांटा चुभा नहीं वो उस कांटे की चुभन की पीड़ा नहीं जान सकता, जिसने प्रेम किया ही नहीं वो प्रेमी की भावनाओं को क्या जाने। गोपियां बस रो सकती हैं तो रोती हैं, कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना। गोपियां कहती हैं, पनघट में मधुवन में वो इंतजार करना, ऐ शाम तेरी खातिर वो घुट घुट के मरना, करोगे इंतजार तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा,
बनोगे राधा, बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या होती है आशा, क्या होती निराशा। करोगे प्रेम तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे। राधा रानी बोली, अब एक तमन्ना है घर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनूं तेरा तू राधा बन के जिए। अब एक तमन्ना है घर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनूं तेरा तू राधा बन के जिए। बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे। क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती है। बहेंगे आंसू तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे। उद्धव जी कुछ बोल ही नहीं पाए, समझाने गए थे पर खुद समझ गए कि प्रेम से बड़ा ज्ञान नहीं है। राधा रानी के चरणों में लौटकर, माँ यशोदा की चरणों में लौटकर माँ को प्रणाम करके ज्ञानी उद्धव ब्रज रज में लौटने लगे। ब्रज रज में लौट कर यमुना जल कर पान, राधे राधे रटत ही या तन सो निकले प्राण। उद्धव जी ब्रज रज में लौटने लगे, कहा हमें भी लता पता बना दो। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को, डाले डाले और पात पात में राधे राधे हो। बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। राधा के प्रेम को समझने के लिए राधा बनना पड़ेगा, बिना राधा बने हुए भला राधा को कौन जान सकता है। उद्धव जी ब्रज रज में लौट कर आए, भगवान ने ब्रज मंडल का दर्शन कराया। उद्धव जी बोले, प्रभु आपसे प्रेम करने वाली गोपियां तो ब्रज में हैं, आप चलिए। भगवान बोले, जो ब्रज गोपियों को तुम ब्रज में देख कर आए वो ब्रज मेरे हृदय में बसता है, अपने हृदय में ब्रज का दर्शन भगवान ने कराया। उद्धव जी से कहा, तुम्हारे ज्ञान के अभिमान को मिटाने के लिए मैंने केवल तुम्हें वृंदावन भेजा। लौट कर उद्धव जी आए, भगवान
का पहला विवाह माता रुक्मणी जी से हुआ ही, उद्धव जी की लीला जितनी गाएं सब कम है। भगवान का विवाह माता रुक्मणी जी से हुआ, दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ, तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा जी से हुआ, चौथा यमुना जी से, पांचवा मित्रविंदा से, छठवा सत्या से, सातवा भद्रा, आठवा लक्ष्मणा से। भौमासुर नाम का एक दैत्य था जिसने बहुत सारी कन्याओं को बंदी बना रखा था, उन कन्याओं को भगवान ने भौमासुर को मार कर कन्याओं को मुक्त किया, कहा देवियों अपने अपने घर जाओ। उन कन्याओं को मुक्त करके भगवान ने कहा जाओ, तो कन्याओं ने कहा कहां जाएं आपके सिवा। वो कन्याएं कितनी थी? 16,100। उन कन्याओं ने कहा प्रभु आप हमसे विवाह कर लो, और उन कन्याओं के आग्रह पर भगवान ने उन सबसे विवाह किया और टोटल विवाह हो गए भगवान के 16,108। भगवान ने इतने सारे विवाह क्यों किए? मैया ओ मेरी माँ जा रही हो, तो ये बताओ भगवान ने इतने सारे विवाह क्यों किए? भगवान ने इतने सारे विवाह क्यों किए? क्योंकि 16,000 होते हैं वेद की ऋचाएं और 108 होते हैं उपनिषद। 16,108 जो विवाह हैं भगवान के, एक्चुअली वो वेद मंत्र हैं, किसी भी मंत्र से भगवान तक पहुंचा जा सकता है। तो भगवान ने जो विवाह किए वो विवाह का तात्पर्य स्त्रियों से नहीं है। भगवान तो योगी हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा, भगवान है ना, सामान्य नहीं है। 16,100 वेद की ऋचाएं, 108 उपनिषद, भगवान जैसे आपने जपा सीताराम, कोई जपा राधे श्याम, कोई जपा ओम नमो भगवते वासुदेवा, कोई जप रहा है कुछ, कोई जप रहा कुछ, तो सवाल यह खड़ा हुआ कि किस मंत्र से भगवान तक पहुंचा जा सकता है। तो भगवान तक पहुंचने के लिए 16,108 रास्ते हैं, ये रास्ते हैं। कोई उपनिषद, इस उपनिषद से भगवान तक पहुंच जाए, कोई उस उपनिषद से पहुंच जाए, कोई इस वेद के मंत्र से पहुंच जाए, कोई उस वेद के मंत्र से, तो ये 16,108 वेद की ऋचाएं उपनिषद सहित ये भगवान की लीला है। और उन कन्याओं को बंधन से मुक्त करके समाज में जिन नारियों को अपमान मिलता, उन नारियों को समाज में सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया गया है। ये 16,108 विवाह का रहस्य है। भगवान ने बड़े प्रेम से रुक्मणी मां से, देखो भगवान गृहस्थी में ना हंसते मुस्कुराते रहते हैं, भगवान की प्रत्येक रानी से 10 बेटा और 1 बेटियों का जन्म हुआ, 1 बेटी और 10 बेटे, इतना बड़ा परिवार था भगवान का। पर भगवान खुश हैं, हर मंदिर में भगवान प्रसन्न है। आप एक विवाह करके ऐसे बैठते हैं जैसे कभी हंसे ही नहीं, है ना। मैया सो रही हो मेरी माँ। अच्छा ये बताओ आप हंसते हो, ऐसे ही हंसते हो कि अच्छे वाला हंसते हो? शादी जब से हुई उसके बाद अच्छे से हंसे नहीं है ना, हंसे? भगवान ने इतने विवाह किए फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। भगवान के मंदिर में भगवान का मैसेज क्या है? आपके घर के गोपाल जी स्माइल रखते हैं कि नहीं, मुस्कुराते हैं कि नहीं? क्या मैसेज है आपके लिए? गौरी गोपाल भगवान मुस्कुरा रहे हैं। भगवान कृष्ण के मंदिर में जाइए, राम जी के मंदिर में जाइए, सब मुस्कुराते हुए ही आपको मिलेंगे। क्यों? क्या मैसेज है मुस्कुराहट का? क्या मैसेज है? भगवान कहना चाहते हैं स्थितियां परिस्थितियां कैसी भी हों पर हर समय मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी में मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराइए, मुस्कुरा के जिसे गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है उसको इस जहां में जीना आ गया, इसलिए थोड़ा मुस्कुराइए।
हाँ भगवान जी मुस्कुराते हैं। भगवान अनिरुद्ध और उषा का विवाह संपन्न हुआ, बाणासुर का उद्धार हुआ, बाणासुर पर कृपा हुई, राजा नृग ने गौदान दिया। राजा नृग ने क्या दान दिया था? गौदान। कुछ काम मरने के पहले कर लेने चाहिए गौदान, जीते जी कर लो। भूमि दान जीते जी कर लो। गौदान, गौरी गोपाल गौशाला में ना गौ माता रहती हैं, गायों को रहने के लिए, गायों के चारा के लिए आप भूमि दान दे सकते हैं, जिस भूमि में चारा बोया जाएगा। गौ माता की सेवा से जुड़कर गौदान करके ये हमारी मैया लोगों ने आज ने इन्होंने गौदान किया। आप भी गौदान कीजिएगा और गाय की सेवा करके गौ माता का आशीर्वाद लीजिएगा। गाय की सेवा पूजा गौदान करने वाला वैतरणी नाम के नरक से, वो वैतरणी जाता ही नहीं, वैतरणी से पार गौ माता ही लगाती है, इसलिए गौदान। राजा नृग ने गौदान दिया, भगवान की कृपा हुई, पौंड्रक काशी राज द्विध पर उद्धार, द्विध का उद्धार हुआ। भगवान ने 20,800 राजा जेल से मुक्त कराए जो जरासंध के जेल में थे। भीम भैया ने जरासंध को मार गिराया। सबने स्तुति की। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया, शाल्व दंत वक्र का उद्धार हुआ। भगवान के परम भक्त थे सुदामा। सुदामा जी की पत्नी का नाम क्या था? सुशीला। सुदामा जी अपनी गृहस्थी में मस्त रहते। गरीबी तो देखो आएगी जाएगी, पर भगवान का चिंतन ना छूटे इसका पूरा पूरा ख्याल रखना चाहिए। गरीबी अपनी जगह ठीक है, पर सुदामा ने उस गरीबी में कृष्ण को नहीं भुलाया, सदा भगवान का चिंतन करते रहे। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः कुक्षैलं मलिनं क्षामं ध्वजं धमनि संततम्। फटे पुराने कपड़े पहनकर ही सुदामा जी अपना कार्य करते पर करते। सुदामा जी को जीवन में कोई शौक नहीं थे विशेष, केवल नाम जप करना, भगवान से प्रेम करना और जो है भगवान का। उनके जीवन में गरीबी थी तो उन्होंने ये मान लिया कि ये गरीबी भी भगवान का दिया प्रसाद है, ये भी ईश्वर का दिया। उन्होंने कोई भगवान से शिकायत नहीं की कि आपने गरीब क्यों बनाया। अमीरी आए तो समझ लो ये भगवान की कृपा है, गरीबी आए समझ लो सब में ईश्वर की कृपा। सुदामा गरीबी में गुजर करते हैं। सुदामा की पिता का नाम है धर्माध्वरी। बचपन में माँ बाप की मृत्यु हो गई, भिक्षा मांग कर गुजारा करते हैं। समाज रोटी दे तो खाते हैं, नहीं दे तो भूखे रह जाते हैं, पर शिकायत नहीं करते। एक दिन पत्नी ने कहा कि आप अपने मित्र से मिलने क्यों नहीं चले जाते? कैसे जाऊं खाली हाथ? वर्षों इसलिए गुजर गए कि सुदामा के पास कुछ था नहीं कि खाली हाथ कैसे जाए। पत्नी ने 4 मुट्ठी चिवड़ा मांग कर ले आई। चिवड़ा मतलब पोहा, व्यवहार में चावल कहते हैं, भागवत जी में चिवड़ा लिखा हुआ। 4 मुट्ठी चावल लेकर आए, 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर सुदामा जी चले। कन्हैया को कुछ दूंगा। देखिए सुदामा गरीब थे, पर वो सुदामा भी ना कुछ लेने नहीं गए द्वारिकाधीश से, अपनी हैसियत के अनुसार 4 मुट्ठी चिवड़ा देने गए। और हम लोग इतना कुछ पाकर भी भगवान को देने कुछ नहीं जाते, भगवान से केवल लेने लेने जाते। आपने लिया ही लिया है, दिया क्या है? आप अपना ही हिसाब कर लेना अपने घर में कि आपने आज तक भगवान से क्या लिया है और क्या दिया है, लेने की ज्यादा है या देने की ज्यादा है।
लिया ज्यादा है हम लोगों ने, और देते हैं तो अभिमान करते हैं, जी हमने दिया। देन हार को और है, भेजत है दिन रैन, झूठे ही घमंड हम करें याते नीचे नैन। एक राजा दान करते थे और दान देते समय आंखों को नीचे रखते थे, तो पूछ लिया किसी भक्त ने कि आप देन देते हो तो आंखें नीचे क्यों करते हो? तो उन्होंने बोला, देन हार को और है, देन हार को और है, भेजत है दिन रैन, झूठी बड़ाई हम करें याते नीचे नैन। हम तो झूठी तारीफ किए जा रहे हैं कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, देने वाला तो कोई और है। अच्छा बताओ, हम किसी को क्या दे सकते हैं? क्या है हमारे पास? बाप दुखी हो जाता है, महाराज जी हमारी बेटी का विवाह है, कैसे होगा, पैसे तो है नहीं। तुम रोया ना करो, दुखी ना रहा करो, जिस परमात्मा ने बेटी भेजी है वही बेटे की विवाह की व्यवस्था भी भेजेगा। कहीं ना कहीं से समय आने दो, विश्वास रखना, वो तुम्हारा पूरा कार्य कराएगा किसी ना किसी। ये बात सही है कि नहीं? बेटी, बाप टेंशन जरूर लेता है पर बेटी अपना भाग्य लेके पैदा होती है, वो अपनी व्यवस्था हो जाती है कहीं ना कहीं से विवाह इत्यादि की। इसलिए देन हार को और है, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, तुम तो सेवा करो। गौरी गोपाल आश्रम में अन्य क्षेत्र चल रहा, सुबह से शाम तक हजारों भक्त भोजन करते हैं, लोग आश्चर्य करते हैं। बड़े बड़े ट्रस्टी, बड़े बड़े संस्थाएं, संस्थान बड़े बड़े यहां आकर देखते हैं, आश्चर्य करते हैं कि दिन रात सेवाएं चल रही हैं, 24 घंटे अन्य क्षेत्र रसोई चल रही है, कोई भी आए सबको पेट भर भोजन मिल रहा है, आखिरी व्यक्ति भी यहां से भूखा नहीं जाता। लोग आश्चर्य करते हैं, पूछते हैं मेरे से ये कैसे हो रहा है। हम कहते हैं, करने वाले भगवान है, हमें और आपको निमित्त बना रखा है। आप बताइए, आपके घर में 25-50 लोग आ जाएं और कहें भोजन करना है, तो इकट्ठे 50 लोग आ जाएं तो व्यवस्था बिगड़ जाती है कि नहीं? हाँ या ना, बिगड़ जाती है। हमने 4 लोगों का भोजन बनाया और 8 लोग आ गए तो व्यवस्था बिगड़ जाती है, बोलो हाँ। पर गौरी गोपाल आश्रम में देखिए, चाहे 10,000 लोग आए, कोई गिनती नहीं यहां कितने लोग रोज आते हैं, है कभी ज्यादा आते हैं कभी कम आते हैं, कोई गिन नहीं सकता कि कितने लोग आते हैं, कभी 10,000, कभी 20,000, कभी 30,000, कभी 50,000, कितने भी लोग आ जाएं, पर अन्नपूर्णा माँ की कृपा ऐसी है कि यहां आने वाले को पेट भर भोजन मिलता है और कमता नहीं है कभी कुछ, ना तो बहुत सारा बढ़ता है ना कमता है, जो बनता है पूर्ति हो जाती है, चाहे 10,000 लोग आए 50,000 लोग आए। और आपने एक चीज गौर की हो, यहाँ की रसोई में आप कभी भी भोजन करते हैं तो आपको गरम गरम भोजन ही मिलता है, चाहे सुबह 9 बजे खाएं, दोपहर के 2 बजे खाएं, शाम को 4 बजे खाएं, या रात्रि को 10 बजे खाएं, आपको गरम गरम मिलता है। आप कभी भी देख लेना, ये चीज नोटिस करना, दाल सब्जी चावल रोटी भी गरम, क्यों ऐसा क्यों होता जानते हैं? ऐसा इसलिए कि हर 2 घंटे में नया भोजन बनता है यहां पर, हर 2 घंटे जो भोजन बनता है वो केवल 2 घंटे के लिए बनता है, 2 घंटे वो खत्म, तब तक जब तक वो खत्म होगा तब तक दूसरा चढ़ जाएगा। बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में सब्जियां, दाल, रोटी, मशीन लगी है रोटी के लिए, जो 1 घंटे में 6,000 रोटी निकालती है। 1 घंटे में कितनी रोटियां, ये लोई कटती है अपने से, ये मशीन रोटी बेल देती है अपने से, ये मशीन जो है ना, मशीन ही है ये, देखिए
एक घंटे में 6000 रोटी निकालती है, बेल के बढ़िया रोटी तैयार। ये देखिए, ये अपने से केवल आटा डाल दो, ये सब तक कर देती है। और यहां पर कोई भी भूखा ना जाए, उसकी व्यवस्था में ही तो ये दास अनिरुद्ध लगा रहता है। ये देखिए, सारी रोटियां बिल्कुल ताजा ताजा फूलती हुई आती हैं, हाँ, और सारी रोटियों में फिर घी चुपड़ा जाता है, सारी रोटियां घी, घी लग करके भक्तों को रोटी मिलती है। बोलो हाँ या ना, अब बताइए ये सेवा है या नहीं। तो इस सेवा से सुदामा ने मुट्ठी भर चिवड़ा ही तो दिया, अन्न दान ही तो किया। तो आप भी जो बन पड़े, आप भी जरूर इस रसोई में दीजिए। माँ से जानेंगे कि आश्रम में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। आप में से कितने लोगों ने वृद्ध माओं का दर्शन किया है? जैसा टीवी पर सुना वैसा यहाँ है या नहीं? हाँ या ना। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? महाराष्ट्र, अकोला। महाराष्ट्र। मैया आप यहाँ रहती हैं, कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ? पौने तीन साल। पौने तीन वर्ष। इन तीन सालों में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत हुई? कैसी व्यवस्थाएं हैं यहाँ? नहीं महाराज जी, कोई दिक्कत नहीं हुई, कुछ भी नहीं। सब व्यवस्था है, दवाई पानी इसकी उसकी सबकी व्यवस्था है। मगर लेकिन मैं आप एक बार मैं जनता से बात करना चाहती हूँ। हाँ, कर लीजिए आप। देखिए, मैंने मेरी उम्र के 18 साल से 8 आने 100 से पप्पड़ बेले हैं मेरे बच्चों के लिए, और क्या क्या नहीं किया मैं। जिन फैक्ट्री, सूत गिरनी, होस्टेल, जहाँ वहाँ 10 पैसे डजन से काज बटन किए थे मैंने, क्योंकि 1 रुपया आएगा तो मेरे बच्चों के काम में गिरेगा। मैंने फिर उसके बाद में हमारे घर वाले गुजर गए, गुजरने के बाद में मैं अस्पताल में काम करने लग गई। बड़ा बेटा बैंक में नौकरी पर था, तो उसने बहू को लेके अलग निकल गया। बहू बोले अलग रहो, बोले आज तुमको सबको पालना पड़ेगा। तो बड़ा बेटा अलग निकल गया, छोटे बेटे को नौकरी नहीं थी, उसको 2 बच्चे हो गए थे। फिर बच्चों की परवरिश, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, वो बिस्तर से उठता नहीं था। तो हमने अस्पताल में काम किया, अकोला में टेस्टी ट्यूब बेबी सेंट्रल में काम करती थी मैं। वहाँ से दोनों जोरू मरद उनके 2 बच्चों को पाला, लिखाई पढ़ाई सब की मेरे बच्चों की, उसके बाद में पोतों की। पोता जब मिलिट्री में नौकरी पर लग गया, मेरी बहू बोले अब तेरी कोई ज़रूरत नहीं हमको, अब तेरी कोई ज़रूरत नहीं। अभी हमारे पास पड़ोसी लोग आते हैं, मेरे से बात करते हैं, मगर लेकिन कभी ऐसा नहीं बोलते कि तुम्हारा बेटा ये बोल रहा था कि तुम्हारे बेटे ने वैसा बोला, कभी नहीं। अब मैं यहाँ भी आई हूँ तो घर को बता के आई हूँ कि मैं वृंदावन जा रही हूँ, बस। तो बेटों ने बोला नहीं कि? हाँ हाँ, कुछ भी नहीं। बड़ा बेटा नहीं ना, छोटा बेटा नहीं। बड़ा बेटा तो अलग रहता है, उसका कोई संबंध ही नहीं था, पर छोटा बेटा उसको ये भी। और मैं 2 पोते हैं, 2 पोतों की लिखाई पढ़ाई करी, दोनों पोते नौकरी पर लग गए। एक बड़ा 50,000 कमाता है पोता, और दूसरा 70,000 कमाता, वो अफसर के जगह लग गया। पर कभी पोतन ने भी बहू को ऐसा नहीं बोला कि माँ को तू ऐसा क्यों बोल रही है। ये दुनिया की सब उल्टी हवा चल रही है, माया जाल में किसी ने नहीं फंसना, अपने अपने इस पर रहना। माया जाल बहुत बुरा है, ये मेरे को पूछ लो, नहीं फंसना। अपने बेटे, अपनी बहू, अपनी बेटी, अपना ये अपना हो कोई फायदा नहीं, बस अपना आत्मा और अपन। ये मेरी हाथ जोड़ के विनती है सबको। और जो भी बहू ये है, कभी सताना मत, इतनी पाप लगेगा, इतना पाप लगेगा कि तुमको बोल नहीं सकते। उनकी आत्मा क्या बोलती है, अंदर से आत्मा क्या बोलती है कि हमने आपके लिए क्या नहीं किया। अगर हमने किया है तो तुम्हारा भी फर्ज था, पर तुम तो फर्ज से मुकर गए। सही है, तुम फर्ज से मुकर गए, तो इसका बहुत पाप लगता है। देखिए, माँ ने 2 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उनके लिए नौकरी की, पोतों को पढ़ाया, और जब बहुएं आ गईं तो बहुओं ने बोल दिया कि अब इसकी हमें जरूरत नहीं है। माँ यही कह रही हैं कि हमने यदि अपना कर्तव्य पूरा किया है
तो अब आपका कर्तव्य पूरा करने का टाइम आया तो आप भी तो करो, ये मत कहो कि तुम घर से निकल जाओ। अब ये माँ गौरी गोपाल आश्रम में रहती जरूर है, लेकिन क्या इनका दिल दुखी नहीं है इस बात से कि जिन बच्चों के लिए हमने मजदूरी की, मेहनत करके पैसा कमा के उन्हें योग्य बनाया, आज वो पोता इतना योग्य, कोई 50,000 कमा रहा, कोई 70,000, क्या उस पोते का धर्म नहीं है कि अपनी दादी को दो वक्त की रोटी दे के सम्मान के साथ सेवा करे। और ये मैया हमारी इतनी अच्छी माँ है, हमें तो खूब आशीर्वाद मिलता है इन माओं का, आप लोगों को भी ये माँ आशीर्वाद देती है। पता नहीं ये माँ नहीं है साहब, साक्षात लक्ष्मी है, जो बेटा ने पोतों ने नहीं पहचान पाए इन माओ को। माँ 1,00,000 गलती माफ करती है बच्चों की, हर गलती माफ करती है, पर देखो माँ का भी एक सम्मान होता है। तुम छोटे थे तो माँ को लात मारते थे, माँ की गोद में छिछी सुसु सब तो करते थे, पर बड़े होके भी माँ को अब तुम अपमानित करो तो बर्दाश्त नहीं होता ना। इसलिए अपने से बड़ों का, अपनी माँ का सम्मान करो। माँ कुछ भी बोले आप उत्तर मत दो, उनके ऋण को आप चुका सकते हो क्या? अब इनके बेटा और इनका पोता क्या इनका ऋण चुका सकता है? कभी कभी नहीं चुका सकता, लेकिन सेवा नहीं करते, हमें अच्छा लगता है। देखो ये माँ 3 साल से यहां है। मैया यहां आपको हमारी ओर से कोई तकलीफ हुई? कोई तकलीफ नहीं। आप यहाँ खुश हैं? हम तो बहुत खुश हैं। और यहाँ जो माताएं और हैं वो भी खुश हैं? सब खुश हैं। ये माँ यहाँ खुश हैं। अब ये माँ क्या चाहती हैं? ये माँ सवेरे 2 रोटी खाती हैं, शाम को 2 रोटी खाती हैं, एक छोटा सा बिस्तर पलंग उस पर सो जाती हैं। कौन सा ज्यादा खर्चा है बताओ? पोता पोती को कौन सा ज्यादा खर्चा लगता? बहू कौन से ज्यादा खर्चा करती माँ के लिए? अरे सवेरे शाम की 2 रोटी। माताएं केवल दुआएं देती हैं, आशीर्वाद देती हैं। हमें तो बड़ा सौभाग्य मिला, भगवान ने इस लायक बनाया कि हमें न माँ, किसी की 1 माँ होती है, किसी की 2 माँ होती हैं, हमारी तो 275 माताएं हैं और अभी 1,000 माएं, और प्रत्येक भारत के गांव गांव में कोई ना कोई मेरी माँ मुझे आशीर्वाद देती। आप जितनी माँ यहाँ बैठी हो ना, सब माएं मुझे अपने पुत्र के रूप में ही देखती हैं। भारत की ना जाने कितनी लाखों करोड़ों माएं जो मुझे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करती हैं, इन माओ का आशीर्वाद। मैया आप यहाँ रहती हो, आपको रहने का कोई पैसा तो नहीं लिया हमने? कुछ भी नहीं। आप यहाँ खुश हैं? बिल्कुल, बहुत खुश हैं। इन माओ के लिए आपसे प्रार्थना है, आप भी अपने सहयोग के थोड़ा थोड़ा हाथ बढ़ाया करिए। इनके अपनों ने साथ भले ना दिया हो, आप और हम इनके साथी बनकर, संगी बनकर सेवा करें। मेरा पोता 45 साल का है, बड़े बेटे का पोता। आपका पोता मतलब मेरे से बहुत 45 साल का, बहुत 45 साल का बड़े बेटे का पोता है, और छोटे का है 27 साल का, और दूसरा है 25 साल का। छोटे बेटे के 2 बेटे, जब तक के नौकरी नहीं लगती थी तब तक के माँ माँ माँ, हम ड्यूटी पर से आते थे तो झोला पकड़ के माँ तुमने क्या लाया, पेड़ा लाती थी, डिलीवरी हो जाती थी तो पेड़े बटते थे तो बैठे रहते थे, माँ आज क्या लाया, पेड़े ले लो बेटा, और पैसे आज माँ पानी पूरी खाने को पैसे दो, आज माँ मेरे को कुल्फी खाने के लिए पैसे दो, तब मैं देती थी। हमको 100, 50, 200 रुपए रोजाना मिलते थे, डिलीवरी वाले जाने वाले देते थे जी। हाँ कभी कभी तो 500-500 रुपए मिलते थे रोज के, तो मेरा परिवार उसके ऊपर ही चलता था सब। और 4,000 रुपए तनख्वाह मिलती थी, वो कभी लाइट का बिल, कभी गैस का सिलेंडर, कभी घर का टैक्स, ये ऐसा ऊपर का काम चलता था। बच्चों की कुछ पढ़ाई लिखाई, कुछ ट्यूशन व्यूशन, उसमें वो 4,000 रुपए जाते थे महीने के, और मेरा रोजाना का जो पैसा आता था उसके ऊपर घर चलता था। क्या बच्चे इस बात से परिचित नहीं थे कि माँ मजदूरी करके काम कर करके बेचारी, और हमें पढ़ाया लिखाया, और अब जब हम करने योग्य हो गए तो माँ को घर से निकाल दिया, ये न्याय है क्या? बताइए ये न्याय है? आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है, अपनी वृद्ध माओं के साथ आप लोग ये अत्याचार मत कीजिएगा, अपने घर के बुजुर्गों के साथ ये अत्याचार आप ना कीजिएगा।
वरना देखो ईश्वर सब देख रहे हैं। आप लोगों से प्रार्थना है, आप इन माओ के त्याग का सम्मान करें और इन माओ के लिए आप सहयोग करने योग्य हैं तो जरूर इन वृद्ध माओ के लिए कुछ ना कुछ सहयोग करें। मैया आपका बेटा यह दास अनिरुद्ध, अभी 13 दिसंबर में मेरे पोते की बड़े पोते की शादी हुई। 13 दिसंबर में ये गए दिसंबर 2024। हाँ अभी 13 दिसंबर 2023। हाँ 23 में शादी हुई तो पड़ोसी बोलने लगे कि तेरे पोते की शादी है। मैं बोली मैं क्या कर सकती पोते की। अच्छा पोते की शादी हुई आपको बुलाया नहीं? नहीं नहीं, पड़ोसी ने मेरे को बोला कि तेरे पोते की शादी है 13 तारीख को। अच्छा और जो उसके साथ में रहने वाले लड़के थे शादी लगा दिया उसको, इतनी इतनी बातें सुनाई मेरे पोते को वो लड़कों ने, और फिर मेरे को वृंदावन में मिलने के लिए आए। कम से कम 15 बच्चे वहां से मेरे को मिलने के लिए आए। अच्छा बच्चे आए उसके दोस्त? दोस्त उसके। वो नहीं आया पोता? नहीं। देखिए पोते का विवाह हो गया और अपनी दादी को नहीं बुलाया, अभी पिछले 2023 दिसंबर में शादी हुई। देखिए कैसी औलाद है, इसलिए ये दास इन माओ की सेवा करके खुश है कि चलो हम किसी के काम तो आए। आप भी किसी के काम जरूर आइए साहब, काम आइए किसी के। पैसा कमाना, पैसा तिजोरियों में भरना साथ ना जाएगा साहब, कुछ सेवा आइए। आप में से कुछ दानवीर महापुरुषों ने अपने हाथ बढ़ाए हैं सेवा के, नाम सुनते हैं ऐसे दानवीर महापुरुषों के और भगवान से प्रार्थना करें कि आप जैसों की झोलियां भरी रहें, इन माओं का आशीर्वाद आपको सदा मिलता रहे, भगवान सदा आपको सुखी रखें। ईश्वर ने देने लायक बनाया इन माओं के लिए, जरूर दीजिएगा, दो रोटी ही दीजिएगा, जरूर दीजिएगा। सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल लेकर गए द्वारिका, द्वारपालों ने बताया कि प्रभु आपके बचपन का मित्र आया है। बचपन के मित्र का नाम सुनकर द्वारिकाधीश सिंहासन छोड़कर सुदामा की ओर भागे। सुदामा मित्र, सुदामा, सुदामा बाहर खड़े इंतजार कर रहे थे, उन्हें लगा बड़ी देर होगी, पता नहीं बचपन का मित्र याद भी हमें रखा है या भूल गया। तभी कानों में आवाज आई सुदामा, भगवान ने आकर सुदामा जी को हृदय से लगाया। मित्र तुमने बड़ी कृपा की आकर के, पर बड़ी देर लगा दी। द्वारिकाधीश देर तो तुमने लगा दी आने में, सुदामा जी कब से इंतजार कर रहा था, तुम आए ही नहीं। चलो अपने आसन पर ले जाकर बिठाया, प्रेम पूर्वक भगवान ने नेत्रों के जल से चरण पखारे। सुदामा क्या लाए हो, पोटरी छिपाई छीन ली। पहली मुट्ठी चिवड़ा जब भगवान ने खाया तो इतना सा खाकर इतने लोगों की संपदा भगवान ने लुटाई, सबको बांटा। दूसरी मुट्ठी में रुक्मणी अम्मा ने हाथ पकड़ लिया, सब भगवान से, सुदामा जी से भगवान की समस्त पत्नियां मिली, आशीर्वाद लिया। सुदामा जी काफी दिन रुके, अब भगवान चल पड़े। द्वारिकाधीश ने विश्वकर्मा को भेजकर सुदामा जी की नगरी सोने से सुसज्जित कराई। सुदामा जी जब वापस गए तो देखा कि नगरी सोने से, सुशीला ये कहां से आया, प्रभु ने दिया है। सुदामा जी बोले प्रभु धन दिया है, अभिमान मत देना। जवानी भी दी सुदामा जी को, बहुत समय तक शासन करके और मृत वहां धन दौलत का अभिमान ना आए, सुख संपदा का आनंद लेकर सुदामा जी भगवत धाम को चले गए। कुरुक्षेत्र में गोपियों से भगवान की भेंट हुई, देवकी माँ के 6 पुत्रों को लौटाया, प्रभु जी के द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा, सांब का पेट में कपड़ा बांध कर जाना और मूसल का निकलना, संतों के द्वारा श्राप देना और भगवान श्री कृष्ण के वंश को आपस में लड़के मरने का श्राप माता जो गांधारी ने दिया। सांब पेट में कपड़ा बांध कर गया, संतों से पूछा कि पेट में बेटा है कि बेटी, दुल्हन बन के गया। संतों ने कहा परीक्षा लेने आए हो, तुम्हारे वंश का नाश करने वाला मूसल होगा। चूर्ण करके मूसल कपड़ा हटा कर देखा, सच्ची मूसल निकला, वही मूसल यदुवंशियों के आपस में लड़के मरने संघार में सहायक बना।
नव योगेश्वरों का संवाद, दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा, प्रभास क्षेत्र में सारे यादव आपस में लड़कर समाप्त हो गए। भगवान अपनी 125 वर्ष की लीला पूरी करके भगवत धाम, गोपियों को, नंद बाबा, ग्वाल वालों सबको भगवान ने अपने गौलोक धाम भेजा। आपस में लड़के मरना तो लीला जी भगवान सबको परम धाम लेकर गए। अब भगवान जब अंत में सबको भेजकर जब स्वयं जाने लगे तो भक्तों ने कहा, प्रभु आप जाएंगे हम कैसे रहेंगे। भगवान बोले, हम जा नहीं रहे, हम तो भागवत जी में समा रहे हैं। जहां जहां ये भागवत होंगी वहां वहां प्रकट होकर अपने भक्तों का दुख दूर करते रहेंगे। भगवान कहीं गए नहीं, भागवत जी में समा गए। इसलिए जो भागवत सुनते हैं उनके हृदय में कृष्ण जरूर आकर विराजमान होते हैं। उनकी जो भागवत सुनते हैं, जो भागवत की कथा सुनते हैं, भगवान उनकी व्यथा सुनते हैं। इसलिए 7 मार्च से अभी भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगी। जिन्होंने ये सुंदर सा आयोजन कराया, भैया श्री अंकित चौधरी जी के लिए, पूरे परिवार के लिए, शिव शंकर जी, मामी पुष्पा मैया, चाचा ओमकारमल जी, संतोष जी, समस्त चौधरी परिवार झारसुगड़ा से आए, पूरे परिवार के लिए एक बार तालियां। भगवान आपको सुखी रखें। बरखा अग्रवाल जी, राहुल अग्रवाल जी, आयान जी, पूरा परिवार, आप सदा सुखी और स्वस्थ रहें कि आपके माध्यम से हजारों लोगों को भागवत की कथा मिली। 7 दिन की भगवान अपनी लीला पूरी करके एक रूप से कणकण में, एक रूप से परमधाम गौलोक धाम चले गए। सुखदेव भगवान ने अंतिम उपदेश करके चले गए। राजा परीक्षित को तक्षक ने रसा, परीक्षित जी भगवत धाम को चले गए। चूंकि भागवत सुनी तो सदगति हुई। जन्मेजय ने यज्ञ कराया, संतों ने इस यज्ञ को रोका, बहुत सारे सर्प मरे, तक्षक बचे। प्रथम दिन की कथा में आपने, अब 7 दिन की सोची, प्रथम दिन की कथा में महात्म्य, दूसरे दिन की कथा में आपने कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, तीसरे दिन ध्रुव चरित्र, चौथे दिन जन्मोत्सव, पांचवें दिन बाल लीला, छठवें दिन रुक्मणी मंगल, आज सुदामा चरित्र के संग आप सब मेरे साथ बोलो, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम। बोलो हे नाथ, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, खल हैं, कामी हैं। हे नाथ, हम जैसे हैं आपके हैं। हे प्रभु, हमें स्वीकार कीजिए, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। ऐसी प्रार्थना आप रोज करिए। कथाओं में जो सुना है घर में उसे सुनकर चिंतन करिए। कथाएं नित्य सुनते रहिए। सत्संग रोज करेंगे तो आपकी भक्ति बनी रहेगी, मन पवित्र रहेगा। कथाएं सुनना छोड़ देंगे फिर वही गंदगी मन में आएगी। आइए, ठाकुर जी की लीला पूरी हुई, कथा तो अनंत है, जितनी दास से बनी आपको सुनाया। मेरी वाणी से कोई अपराध बन गया हो, किसी का दिल दुखा हो, तो अपना भाई अपना पुत्र जानकर क्षमा कीजिएगा। आइए अब होली का पावन दर्शन करेंगे। बोलिए होली के रसिया की, प्रेम पूर्वक होली का दर्शन करेंगे। हमारे यजमान जी श्री अनीता मैया, संतोष जी यहां आएंगे। आइए होली का पावन दर्शन करें। हो आज गिरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया, बर जोरी रे रसिया, अरे होरी रे रसिया, बर जोरी रे रसिया, आज विरज में होरी रे रसिया। Oh,
ठाकुर जी होली का दर्शन कराएंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, अरे होल डालो रंग केसरिया, के डालो रंग केसरिया, के डालो रंग केसरिया, के डालो रंग केसरिया, अरे होली में उड़े रे गुलाल, के डालो रंग केसरिया, अरे होली में उड़े रे गुलाल, के डालो रंग केसरिया। होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा, अरे भाई महरन में धीराया मध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा, होली खेले आरती का पावन दर्शन करें। श्री नारायण जरनो शरण प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। हरिः ॐ चंद्रमामन सोजात सक्षोह सूर्यो जायता स्रोत्रात् वायुः प्राणस्य मुखात् अग्निर्जायता। मन में बसा कर, बसा कर तेरी मूर्ति, मूर्ति उतारूं गिरधर, तेरी आरती, आरती जिंदगी दया की भीख मांगती
मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जब तेरे नाम कर दी अर्पण हो मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको प्रभु संसार की मैं बसा कर तेरी उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हो 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 आ, जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती। वेद तेरी महिमा गाए संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें छेड़ वीणता। वेद तेरी महिमा गाए संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें तेरे द्वार करते हैं पुकार, तेरे द्वार करते हैं पुकार, दासवानी रुद्र तेरी गाए आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परमात्मा।
विष्णु